हेलो एवरीवन माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट बेंस सो भाई मैग्नेट बेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, है? जहां पे आपको किंडर से लेके क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स मिल जाएगा न आस फॉर एनी थिंग यू कैन आस फॉर एन टी एस यू केन आस फॉर ओलिपियाड यू कैन आस फॉर आई टीजेन आस फॉर नीट यू के आस फॉर सीबीएसई बोर्ड यू कैन आस फॉर स्टेट बोर्ड यू के आस फॉर एनसीआर बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट येस यू हर्ड दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट कोर्स सेट की कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीजियो राइट आज हम क्या करने वाले तो यार आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं बिकॉज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की और उस चैप्टर का ओवरव्यू लेने वाले हैं हम आज इस वीडियो में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर थ्री एनसीआर का चैप्टर थ्री विच इज स्टक तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है ठीक है जब आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में उतरते हो तो यार डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की बहुत जरूरत पड़ती है ठीक है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माने जाते हैं डेटा एंड एल्गोरिथम्स ठीक है उन डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टार्टिंग के कुछ डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जिससे कि हम शुरुआत करने वाले हैं जो की है स्टैक तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस में एक चैप्टर के फॉर्म में ही दे दिया गया है वो हम आज इस वीडियो में उस उस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते इस चैप्टर चैप्टर से तो दिस इज ओवरव्यू वीडियो ऑफ स्टक फॉर क्लास क्लास कंप्यूटर साइंस ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं तो यार देखो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है ऑल बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ठीक है पांच टॉपिक्स में हम इसको रैप कर देंगे ठीक है सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर तो सबसे पहले तो जानेंगे कि यार डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले तो आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर वर्ड ही नया होगा तो डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे क्या होता है कैसे ये आपके डेटा टाइप से अलग है तो पहले तो ये समझेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या है डेटा टाइप से कैसे अलग है ठीक है फिर उसके ऊपर डाइव इन करेंगे स्टैक को उठाएंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे क्या है ठीक है क्या करता है बेसिक क्या है, कि क्या है भाई स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन मतलब कहा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है क्या इसके इंप्लीमेंटेशन से कैसे यूज करना है तो एप्लीकेशन देखेंगे ऑफ स्टैक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फिर चलेंगे कुछ ऑपरेशन एंड टर्म्स रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर सॉरी स्टाक से तो स्टाक जब आप बात करते हो तो स्टाक के साथ कुछ ऑपरेशन जो आपको डेटा स्ट्रक्चर जब मैं बताऊंगा तभी समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ टर्म्स या ऑपरेशन जुड़ के आते हैं तो स्टाक के साथ भी वो आते हैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन और कुछ टर्म्स जुड़ के आते हैं जो आपको पता होने चाहिए वो टर्म्स या वो ऑपरेशन क्या क्या है वो हम इस पार्ट में कवर कर रहे होंगे आफ्टर गैदरिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन हम फिर चलेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टाक यूजिंग पाइथन तो ये पाइथन में बिल्ट इन नहीं है स्टाक तो हम इसको बनाएंगे हम इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक को इन पाइथन ठीक है तो स्टैक इंप्लीमेंटेशन हम सीखेंगे यूजिंग पाइथन फिर लास्ट में इस स्टैक का एक एप्लीकेशन है विच इज पॉलिश स्ट्रिंग्स जो आपको यहां पे समझ में आएगा यहां पे थोड़ा सा रैप करूंगा मैं पॉलिश स्ट्रिंग्स के बारे में मतलब थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा पॉलिश स्ट्रिंग्स के बारे में इस एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में तो यहां पॉलिश स्ट्रिंग्स में हम क्या करेंगे पॉलिश स्ट्रिंग्स वाले पार्ट में हम इस स्टैक का जो हमने पाइथन की मदद से इंप्लीमेंट किया है एक एप्लीकेशन uh, को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे दैट वॉज पॉलिश सॉरी दैट इज पॉलिश स्ट्रिंग्स ठीक है तो बेसिकली इंट्रोडक्शन लेना है डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन जानना है क्या है ऑपरेशन या टर्म्स रिलेटेड टू स्टैक समझने हैं इंप्लीमेंट करना है पाइथन में इंप्लीमेंट करने के बाद एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उतार के सॉल्व करना है इसी में हम ये जो पॉलिस स्ट्रेंस है यह अप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ रहे होंगे और यहाँ उसको सॉल्व कर रहे होंगे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हम उन सिचुएशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे बट तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जग, बहुत तो टॉपिक्स है ये चैप्टर पढ़ना है ये सब टॉपिक्स कवर कर रहे हैं मुझसे अगर आप चाहते हो अपने पेपर में ये फुल स्कोर करना इन दिस चैप्टर सो प्लीज कम एंड डू वॉच दीज वीडियो जिसमें मैं आपको कवर करूंगा ऑल दो इस बात का ध्यान रखिएगा काफी हद तक वीडियोस रिजेंबल करेंगे इन नामों से बट ऑल दो वीडियोज बिल्कुल एज इट इज नहीं होंगे ये टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं काफी हद तक आपको वीडियोस में आगे डिवीजन मिलेगा जैसे कि ये 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 वीडियो ये वीडियो ये वीडियो तो सपोज फिर भी इंडिविजुअल है बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टाक में डिवीजन मिल सकता है पॉलिस में डिवीजन मिल सकता है तो उस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी अगर आपको ये चैप्टर मुझसे सीखना है सो प्लीज डू कम एंड वॉच ऑल ऑफ द वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर विच इज फ्रीली अवेलेबल

अपकमिंगडियो अपकमिंग सेशन वेयर वी वुड बी लर्निंग अबाउटर नेक्स्ट अभी अगर मैं आगे बढ़ू तो सो लेट्स रिकॉल फर्स्ट ठीक है वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन फॉर हैंडलिंग वैल्यूज राइट मतलब हमने बहुत सारे डेटा टाइप सीखे हैं पाइथन में जो हमें वैल्यूज को हैंडल करने में हेल्प करते हैं न बी यूजेंट्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप और ये कुछ डेटा टाइप्स हमने देखे हैं इवन हम इनको सीक्वेंस डेटा टाइप्स भी कहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इधर ऑफ द सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स ठीक है मल्टीपल डेटा एलिमेंट आर ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर वे फॉर फास्टर एसेसिबिलिटी एंड एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डेटा तो मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को हम ग्रुप करते हैं स्टोर करते हैं पर्टिकुलर वे में फॉर फास्टर एसेसिबिलिटी फास्टर मतलब जल्दी से हम उसको एक्सेस कर सकें है ना और एफिशियंट स्टोरेज ऑफ डेटा एफिशियंटली स्टोर कर सकें That is why we have used different data types in Python for storing data values. इसीलिए हमने अलग अलग data types use करे Python में value store करने के लिए Such grouping is referred to as data structure. इस grouping को ही हम क्या कहते हैं Data structure कहते हैं ये जो grouping कर रहे हैं ना हम उसको ही कहते हैं data structure. मतलब simple सी बात है अर सेम टाइप के एलिमेंट्स मतलब एक सपोज सेम टाइप का ऑपरेशन एक सेम टाइप का काम आपको करना है ठीक है उसके लिए आपने कुछ सारे फंक्शंस वगैरह है ना एट्रीब्यूट वगैरह सब मिक्स करके आपने क्लब करके एक चीज बना दी उसको ही हम क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं सो अ डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस अ मैकेनिज्म टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा अलॉन्ग विद ऑपरेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी इफिशियंटली परफॉर्मड ऑन द डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में में पूछा जाता है आपसे पेपर में, तो ध्यान से ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा अलॉन्ग विदरेशन दोसेसिंग ये भी कह सकते हो दैट कैन एफिशियंटली बी परफॉर्म ऑन द डेटा जो एफिशियंटली हम डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सके डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजे मल्टीपल एलिमेंट इन सो दर्टन ऑपरेशन कलेक्टिव डेटा यूनिट कुड बी परफॉर्म ईजीली तो यह क्या, है? क्या है? करता है डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को मल्टीपल एलिमेंट को मल्टीपल चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज करता है सच दैट इस पे आप सर्टिन ऑपरेशन परफॉर्म कर सको हर एलिमेंट पे और कलेक्टिवली इसको बहुत एफिशिएंट वे में परफॉर्म किया जा सके कि इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है ठीक है अब कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल है जैसे कि स्टैक क्यू जो आपके सिलेबस में ही है स्टैक क्यू आपके सिलेबस में ही है तो स्टैक एंड क्यू आर टू पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज इन प्रोग्रामिंग ऑल नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन पाइथन तो स्टैक और क्यू अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो है ना आ, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है जैसे कि आपके पास ग्राफ्स हैं ट्रीज हैं लिंक्ड सॉरी लिंक्ड लिस्ट हैं और बहुत सारे टाइप डेटा डेटा स्ट्रक्चर होते हैं मतलब आपके पास लिंक्ड लिस्ट है लिंक्ड लिस्ट लिंक्ड लिस्ट में भी बहुत सारे टाइप आते हैं डब्लू लिंक लिस्ट एंड वॉट ऑल नॉट फिर स्टैक क्यू तो लिख ही दिया फिर ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है फिर ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है मतलब बहुत सारे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं ठीक है बहुत सारे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में स्टैक और क्यू है जो आपको सीखना है फिलहाल और अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं स्टैक नेक्स्ट आगे चैप्टर है क्यू ठीक है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही ऑल दो प्रॉब्लम यह है कि पाइथन में ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है ऑल दो जो पाइथन का बाय डिफॉल्ट जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस पैकेज के साथ नहीं आता एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हो है ना बट वो इतनी एफिशिएंट नहीं है तो उसको यूज़ नहीं किया जाता तो इट्स बेटर कि आप स्टैक और क्यू को खुद इंप्लीमेंट कर सको तो बेस्ट है कि आप खुद इंप्लीमेंट खुद अपने हिसाब से फंक्शंस बना लो क्योंकि कई बार जो है अपने हिसाब से आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आप स्टैक या क्यों जो डेटा स्ट्रक्चर है ये खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में ही सीखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में ठीक है सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट एज दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भाई देखो आगे आप कुछ भी बिल्ट करोगे डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पहले डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे फिर एल्गोरिथम्स कवर करेंगे आपके सिलेबस में दोनों ही हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम दोनों ही हैं ठीक है जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वगैरह वो सब आपके सिलेबस में सर्चिंग एल्गोरिथम्स वगैरह वो एल्गोरिथम्स का पार्ट है है ना डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यू आपके सिलेबस में दे रखा है इनको पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज आगे आपके पास मतलब इनकी जरूरत पड़ेगी अभी जब मैं अपलिकेशन दिखाऊंगा ना इनकी तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ ये यूज होते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता ठीक है तो तब आपको समझ में आ जाएगा कितने इंपॉर्टेंट है मतलब कितने इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है इनको सीखना ठीक तो है तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर अब बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है तो लेट्स लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन टू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर व्हाट इज स्टैक

ठीक है तो लीनियर वे में होगा अभी जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है तभी साइमल्टेनियसली मैं आपको एग्जाम्पल एक और डेटा स्ट्रक्चर कर दूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि अच्छा इससे अलग हो जाएंगी चीजें ठीक है चलो तो स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड इन लीफो और फीलो अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आता है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है बाकी आपका लिंग लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसमें क्या स्पेशल है तो इसमें स्पेशल है ये इंप्लीमेंटेशन इसको लीफो या फीलो प्रॉपर्टी uh, को फॉलो करने के लिए बनाया गया है लीफो या फीलो क्या होता है मतलब क्या चीज़ है ये तो फीलो या लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट आउट लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट नेक्स्ट है फीलो फीलो मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट फर्स्ट इन लास्ट आउट अब आप ये कहोगे कि सर ये क्या क्या वर्ड आप बता रहे हो कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड है भाई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बहुत ईजी चीज है लीफो या फीलो बहुत सिंपल सी चीज है सेम चीज है एक्चुअली सेम चीज है इमेजिन करो स्टैक को आप बिल्कुल इस तरीके से इमेजिन करो जैसे सपोज आपके पास प्लेट्स रखी हुई है ठीक है प्लेट्स रखी हुई हैं सपोज आपने क्या कहा कि यार ये आपके पास सपोज प्लेट्स डिशेस रखने की जगह है आपको डिशेस रखनी है तो आपने क्या कहा आपने कहा मैंने ये डिश रखी एक इसके ऊपर एक और डिश रखी 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 एक और डिश रखी तो जब आप ये काम करते हो जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिश रखते हो तो क्या होता है ध्यान से वर्ड देखना लास्ट इन फर्स्ट आउट जो डिश आपने लास्ट यहां पे इंसर्ट करी है ऊपर से जो ऊपर से जब लास्ट डिश इंसर्ट करी है वही पहले भी वापस आएगी ना मतलब जो पहले लास्ट गई है वही पहले ऊपर जाएगी मतलब बाहर निकलेगी तो लास्ट इन फर्स्ट आउट last इन फर्स्ट आउट लिफो नेक्स्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट जो सबसे पहले निकलेगी ठीक है बता रहे ना एक सेम आपने एक phenomenon किया एक काम किया आप डिश को ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते चले गए अब इसमें जो लास्ट आप डाल रहे हो वो सबसे पहले निकलेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो हो गया मैनर और जो आपने सबसे पहले रखी है वो सबसे लास्ट में निकालोगे फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर हो गया फीलो सेम चीज है लीफो या फीलो मैनर जो फॉलो करता है आपका स्टैक जिसपे बेस्ड है आपका स्टैक ठीक है वेयर इंसर्शन सॉरी वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली एट वन एंड स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो इंसर्शन मतलब जो चीज आप एंटर कर सकते हो और जो डिलीट कर सकते हो वो सिर्फ एक ही तरफ से कर सकते हो ठीक है ठीके? मतलब यहां से तो भाई देखो ये ट्रे है यहां से तो चीजें ब्लॉक्ड है ना यहां से नहीं निकाल सकता बीच में से थोड़ी निकाल लोगे बीच में से थोड़ी निकाल लोगे नीचे से थोड़ी निकाल लोगे अगर नीचे से या बगल से ही सकती तो ये डिस्ट्रे बेकार है राइट right? तो हम इधर उधर से नहीं निकाल सकते किस तरफ से निकाल सकते है? सिर्फ एक ही तरफ से निकाल सकते हैं तो स्टैक की प्रॉपर्टी है कि इसमें सिर्फ एक ही तरफ से आप आ, डेटा को या तो इंसर्ट कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो इस एंड को हम कहते हैं स्टैक का टॉप दैट इज नोन एज स्टैक्स टॉप इसके बारे में टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्टैक समझाऊंगा फिलहाल टॉप लीजिए अब लीफो और फीलो को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये भी आ जाता है पहला ये तो हो गया डेफिनेशन स्टाक का कभी कभार ये पूछ सकते हैं वॉड डी अंडरस्टैंड बाई लीफो या फीलो सो यू शुड नो लीफो मीन एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड वुड बी फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड जो लास्ट इंसर्ट किया है जो आपने लास्ट इंसर्ट किया है सबसे पहले सॉरी यस जो लास्ट आपने इंसर्ट किया वो सबसे पहले रिमूव होगा सबसे पहले डिलीट होगा ठीक है फीलो मीन्स एलिमेंट फर्स्ट इंसर्टेड वुड बी द लास्ट वन टू बी डिलीटेड जिसको फर्स्ट इंप्लीमेंट किया इंसर्ट किया उसको लास्ट डिलीट करोगे सिंपल सी बात जो मैं आपको भी समझाई ठीक है नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट द स्टैक इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर एज इट कैन ग्रो विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स और श्रिंक विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर ऑन द अदर हैंड इज द वन दैट हैज फिक्स्ड साइज तो स्टैक क्या है एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है इफ नंबर इंक्रीजेज या इफ नंबर डिक्रीज ठीक है? ऑन द अदर हैंड स्टार्टिंग डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो फिक्स साइज ही लेगा कि भाई मुझे इतने एज इट इज चाहिए ही चाहिए नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा जैसे आप देख रहे हो मतलब आगे समझ, समझोगे कि तो इसकी साइज फिक्स है साइज में बात नहीं कर रहा बात ये हो रही है कि इसमें तीन एलिमेंट्स डालोगे तब भी चल जाएगा चार एलिमेंट्स डालोगे तब भी चल जाएगा आप एक भी एलिमेंट नहीं डालोगे तब भी चल जाएगा इसमें ये फिक्स नहीं है कि यार मैंने तो चार स्लॉट्स बना दिए हैं इसमें आपको फिल करना ही करना है डेटा को दैट इज नॉट सिचुएशन दैट इज नॉट द केस ठीक है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज ये बढ़ सकता है ये स्ट्रिंक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट और साइज का रेस्ट्रक्शन है यहां पे आगे देखेंगे साइज का रेस्ट्रक्शन है बट ये ग्रो uh, या फिर श्रिंक हो सकता है फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्सड नहीं है कितना तो चाहिए ही चाहिए ठीक है तो इसीलिए इसको हम डायनेमिक कहते, है, है, कहते हैं अदरवाइज जो फिक्सड होते हैं उनको हम स्टार्टिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है अब कुछ ग्राफिक सॉरी कुछ डायग्रामेटिकली समझते हैं कि बेसिकली है क्या तो स्टैक समझ लीजिए मतलब तो तो एक एक जिसमें आपका इस तरीके से कंटेनर रखा हुआ है इस कंटेनर में अगर आप एक करके एलिमेंट पुश करते जाओ एक तरफ से जिसको हम कहते हैं टॉप एक टॉप से अगर आप इसमें एलिमेंट्स को पुश करते चले जाओ तो इसको हम कहते हैं स्टाक तो बहुत बेसिक सा आइडिया है तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे उसमें से एक मैंने को क्या कर दिया इसमें पुश कर दिया ठीक है तो वन पुश कर दिया तो इसके अंदर चला गया ठीक है फिर मैंने उठाया टू इसके अंदर पुश पुश कर कर दिया तो कर दिया तो इसके इसके अंदर अंदर चला गया फिर मैंने उठाया थ्री थ्री पुश कर दिया थ्री पुश कर दिया फिर मैंने उठाया फोर फोर इसके अंदर पुश कर दिया फोर इसके अंदर पुश हो गया अगर आप नोटिस करो तो पहले वन गया टू गया थ्री गिर फोर गया सबसे पहले जाने वाला वन था सबसे फिर सेकंड जाने वाला टू था फिर थर्ड था फिर फोर्थ था जिस तरीके से नंबरिंग बट अब जब कहानी बदलेगी तो कहानी एक्चुअली इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब इससे हम चीजों को निकालते हैं इंसर्ट करते समय तो नहीं दिखता डिलीट करते समय दिखता इसकी खासियत यह है कि जब आप इससे चीजों को रिमूव करोगे जब इससे चीजों को रिमूव करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर एंटरड है वो सबसे पहले डिलीट होगा तो फोर्थ वाला सबसे पहले डिलीट होगा तो वही लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट वॉज एंटर्ड फोर फर्स्ट सबसे पहले कौन जाएगा फोर लास्ट इन फर्स्ट आउट थर्ड बाहर लास्ट इन फर्स्ट आउट सेकेंड बहार और फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट इन लास्ट आउट सबसे बाद में जाने वाला है फर्स्ट और इस तरीके से आपकी जो स्टैक है वो एम हो गई अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा ये जो भी डायग्राम मैंने आपको बताया ये सिर्फ समझने के लिए है कि इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है स्टैक एक्चुअली में इस तरीके से डायग्रामेटिकली uh, कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं होता है डेफिनेटली हमारी जो मेमोरी है वो बहुत अलग तरीके से स्टोर होती है तो ये समझने के लिए डायग्राम बहुत अच्छा है समझाने के लिए बहुत अच्छा है पेपर के लिए बहुत अच्छा है बट इसको दिल से लगा के मत बैठ जाइएगा ठीक है बिकॉज ये डायग्राम सिर्फ समझा समझ, समझ, समझने के लिए हम यूज करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे जब ये डेटा स्ट्रक्चर बना रहे होंगे प्रोग्राम कर रहे होंगे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन तो ये डेटा मतलब ये डायग्राम हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे ठीक है सो टेक दैट पॉइंट इन माइंड ये सिर्फ समझने के लिए डायग्राम

आउट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जो ये नहीं कर सकते ठीक है इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन वेरियबल्सोड इन स्टॉक एंड इट इज ऑटोमैटिकली सॉरी डिस्ट्रॉइड रिटर्न तो अब ये चीज हमने फंक्शन में पढ़ रखी है डिटेल में फंक्शन में हमने क्या पढ़ रखी है कि आ, जो भी आपका फंक्शन कॉल होता है स्टॉक पे कॉल होता है अब स्टार्ट में जब कॉल होता है फंक्शन तो क्या है एक के ऊपर एक के ऊपर एक फंक्शन कॉल होता है जिसकी भी जरूरत होती है मतलब जैसे सपोज मैंने कहा मुझे फंक्शन वन की जरूरत है फंक्शन वन की जरूरत है फिर फंक्शन फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू की जरूरत है फिर फंक्शन टू के अंदर फंक्शन थ्री की जरूरत है अब फंक्शन थ्री क्या करेगा कुछ भी चीज रिटर्न करके लाएगा कोई भी वैल्यू रिटर्न करके लाएगा वो फंक्शन टू को देगा फिर फंक्शन टू जो भी लाएगा वो फंक्शन वन को देगा एंड सो ऑन स्टॉक में इंप्लीमेंट होता है तो ये चीज स्टॉक में इंप्लीमेंट होती है सबसे बड़ी खासियत है इसकी एक और खासियत ये है, है कि अब क्योंकि ये स्टॉक में इंप्लीमेंट होती है तो जब फंक्शन थ्री रिटर्न करके लाता है फंक्शन टू के लिए कोई भी वैल्यू तो ये जो अपने लोकल वेरियबल बनाता है फंक्शन थ्री वो डिलीट हो जाते हैं

राइट स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट स्टैक ऑटोमेटिकली क्लीन ऑब्जेक्ट्स अब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको स्टैक क्लीन कर देता है अगर उनकी जरूरत नहीं होती सिंपल सी बात जब स्टैक है तो सपोज जिसकी भी जरूरत पड़ी उसको डाला जरूरत हो गई खत्म बाहर निकाले तो एफिशियंटली डिलीशन वगैरह होता रहता का। not है तो इसलिए रिलायबल है इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है ठीके? और सिक्योर भी है नेक्स्ट इट डज नॉट अलाउ रीसाइजिंग ऑफ वेरिएबल्स अब वेरिएबल्स का रीसाइजिंग अलाउ uh, नहीं करता अब ये कभी कभार क्या होता है एडवांटेजेस भी हो जाता है कभी कभार डिसएडवांटेज के फॉर्म में भी ले लिया जाता है क्योंकि वेरिएबल्स का साइज को चेंज नहीं करने देता तो ये है कि यार अब वैल्यू चीज मतलब चीज फिक्स है चीज फिक्स है रूल्स एंड रेगुलेशन से तो अच्छा रहता है कभी कभार बट कभी कभार क्या होगा यदि रूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा जब ये ब्रेक करना पड़ेगा तब भारी पड़ता है वही डिसएडवांटेजेस को लीड करता है तो डिसएडवांटेजेस क्या है लिमिटेड मेमोरी साइज सबसे पहला वही है लिमिटेड मेमोरी साइज तो स्टार्ट

तो यही से नाम आया स्टैक ओवरफ्लो तो स्टैक ओवरफ्लो को एक्चुअली वो सिग्निफाई भी यही चीज करते हैं कि बहुत सारा कंटेंट है भाई हमारे पास स्टैक हमारी ओवरफ्लोड है ठीक है मतलब बहुत सारा कंटेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा दैट इज व सिग्निफाई विद विद दिस वर्ड स्टैक ओवरफ्लो क्या मतलब है चांसेस ऑफ स्टैक ओवरफ्लो सो क्रिएटिंग टू मनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्टैक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो अब जैसे ही स्टैक ओवरफ्लो मतलब ये होता है कि एक स्टैक आपकी भर चुकी है आगे इस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि एक स्टैक अगर भर जाए पूरी मतलब यहां तक टॉप हो गई है अब इसमें कोई भी एलिमेंट आप डालने की कोशिश करोगे तो वो क्या कहेगा भाई आई एम ओवरफ्लो आई एम ओवरफ्लोइंग आई एम फुल आई कांट फिल नाउ ठीक है आई एम फुल तो बस वही चीज ओवरफ्लो मतलब एक फिल्ड सिचुएशन को कंप्लीटली फिल्ड सिचुएशन को आप और ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे तो overflow हो तो ओवरफ्लो हो जाएगी तो अगर आप रैंडमली ऐसे एक्सेस कर सॉरी अगर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते रहोगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दोगे तो स्टैक के ओवरफ्लो होने के चांसेस बहुत समा है रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो एरे में नहीं है एरे में क्या है एरे में खासियत आपको ये मिलती है कि एरे में आप रैंडम एक्सेस कर सकते हो मतलब लिस्ट में एरे में पाइथन में अगर आप देख रहे हो पाइथन आपने पढ़ी है तो लिस्ट की खासियत क्या है पाइथन में कि लिस्ट में आप जब चाहे जोन से एलिमेंट का इंडेक्स डालो और उसको फेच कर सकते हो मुझे ये चाहिए मैं सीधे सीधे इसको डालूंगा और ये फेच कर लूंगा स्टॉक में ऐसा नहीं कर सकते तो कभी यही चीज एडवांटेजेस भी कही हमने कि एफिशिएंट है लिंक्ड लिस्ट एरेज लिस्ट से ये एफिशिएंट है यहां हम डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं कभी कभार डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है कि मुझे अगर ये एलिमेंट चाहिए तो मैं इसको फेच नहीं कर सकता पहले मुझे इनको रिमूव करना पड़ेगा तभी मैं इसको फेच कर सकता हूँ तो ये कभी कभार डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है ठीक है नो अन व्हेन वेरिएबल स्टोरेज गेट्स ओवर रिटर्न इट लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर ऑफ फंक्शन और प्रोग्राम अगर कोई भी फंक्शन ओवर राइट हो जाता है तो उसमें मिस बिहेवियर होता है तो अनडिफाइंड में से बिहेवियर होने लगता है डेफिनेटली ओवरराइट हो जाएगा तो ये होगा ही होगा

तो ये जो एंटर कर रहा है वही सबसे से। so जो भी लीफो फॉलो करता है जहां पर भी लीफो फॉलो होता है वो सब स्टाक का ही तो इंप्लीमेंटेशन है स्टाक का ही तो एप्लीकेशन है जैसे कि देखिए फर्स्ट वन इज पाइल ऑफ क्लोथ्स इन एन एलमेरा ठीक है सो यहां पे जो clothes, पर जो क्लोथ्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप इकट्ठा करके रखते हो या फिर आप शूज के अपने शूज बॉक्स रखते हो ठीक है या फिर आप कुछ भी बॉक्स रखते हैं एक के ऊपर एक तो ये सब क्या है ये सब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है भाई एक के ऊपर एक रखा के ऊपर दूसरा रखा फिर तीसरा रखा तो अब अगर मुझे इस लास्ट को मतलब अगर सपोज इसके नीचे वालों को निकालना है तो नहीं निकाल पाऊंगा अगर किसी को भी खींचूंगा सब गिर जाएंगे तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर शर्ट टी शर्ट किसी भी चीज़ को निकालना है तो मुझे पहले ऊपर की चीजें हटानी पड़ेंगी ठीक है तो बस यही क्या है यही तो है आपका स्टैक ठीक so, है सो पाइल ऑफ क्लॉथ्स नेक्स्ट इज मल्टीपल इन है वर्टिकल पाइल तो इस तरीके से जब आप चेयर्स अरेंज कर देते हो

राइट नेक्स्ट इज बैंगल्स रिस्ट ठीक है तो रिस्ट में जो आप चूड़ियाँ पहनते हैं ठीक है अब हो सकता है आ, ये टेन रिंग्स पहन ले है ना शांगची के टेन रिंग्स का यूज कर लिया जाए या फिर जो बैंगल्स आपकी लेडीज पहनती हैं उनकी बात चले तो यहां पे क्या है यहां बेसिकली वॉट आर दीज दीज आर नथिंग बट स्टार्स ओनली जो लास्ट रिंग पहनी गई है सॉरी रिंग नहीं है मतलब रिंग है बट हम बैंगल्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे जो लास्ट बैंगल्स पहनी गई है तो जो लास्ट बैंगल पहनी गई है सबसे पहले इसी को रिमूव करोगे ना सबसे पहले इसी को तो रिमूव किया जाएगा फिर ही तो सबसे लास्ट वाली बैंगल रिमूव हो पाएगी राइट right? किसका इंप्लीमेंटेशन स्टाक का इंप्लीमेंटेशन है रियल वर्ल्ड में राइट नेक्स्ट इज पाइल ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईटेबल्स इन अ पैंट्री और uh, किचन शेल्फ कहीं पर भी का जो रखा होता है एक एक रखे तो अगर मुझे ऊपर तो वाले गिर जाएंगे नॉट अ गुड आइडिया तो मुझे पहले इसको हटाना चाहिए फिर इसको हटाना चाहिए फिर यह मिलेगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट सो लिफ हो स्टीक है

बट सपोज आपके पास लास्ट नहीं है लास्ट एलिमेंट कौन सा है या क्या इंडेक्स है नहीं पता आपको तो आप क्या कर सकते हो जब तक ये लिस्ट एम ना हो तब तक इसके एलिमेंट्स को स्टाक में डालते चले जाओ तो मैं एक स्टाक बना लूंगा और क्या करूंगा फर्स्ट एलिमेंट को विजिट करूंगा वी मिला वी को डाल दिया इसके अंदर फिर ए को विजिट करूंगा ए को डाल दिया इसके अंदर फिर आर को विजिट करूंगा आर को इसके अंदर डाल दिया फिर डी को विजिट करूंगा डी को इसके अंदर डाल दिया फिर ए को विजिट करूंगा ए को इसके अंदर डाल दिया फिर एन को विजिट करूंगा एन को इसके अंदर डाल दिया इस तरीके से मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया कब तक डालता चला गया ये काम मैं कब तक करा मैंने जब तक स्ट्रिंग जो है एम ना हो जाए है ना स्ट्रिंग एम ना हो जाए अब बस क्या करूँगा एक बार डालने के बाद इसको पॉप आउट कर लूंगा तो जैसे मैं पॉप आउट करूँगा तो सबसे पहले एन आएगा फिर ए आएगा है ना मतलब ये पॉप आउट होगा ये सबसे पहले पॉप आउट होगा फिर ए पॉप आउट होगा फिर डी पॉप आउट होगा फिर आ, आर पॉप आउट होगा फिर ए पॉप आउट होगा फिर वी पॉप आउट होगा इस तरीके से आपको क्या मिल गया रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई एन ए डी आर ए वी तो बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज टू रिवर्स स्ट्रिंग स्टैक का यूज करिए बहुत आसानी से आप uh, अपने स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो रिवर्स कर सकते हो दैट्स ऑल अब प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे ठीक है स्ट्रिंग रिवर्स वेन वी नीड टू रिवर्स अट्रिंग स्ट्रिंग ट्रैवर्स फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर टिल द फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज कैरेक्टर्स इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देर अपीयरेंस इन द स्ट्रिंग दिस इज वेरी इजीली डन बाय पुटिंग द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ स्टैक तो स्टैक से आप बहुत सारे इंप्लीमेंट कर सकते हो इतना रिवर्सल करने की जरूरत ही नहीं है मतलब रिवर्स ट्रावर्सल करने की जरूरत ही नहीं है राइट नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है अंडू रीडू यस बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है काफी बार आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस जेड यूज करते हो फॉर अंडू कंट्रोल प्लस वाई यूज करते हो फॉर रीडू काफी जगह यूज करते हैं हम ये चीज़ अंडू रीडू का अंडू रीडू क्या है बेसिकली आपका स्टाक ही तो इम्प्लीमेंटेड है तो बेसिकली आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया मतलब सपोज आपने कोई भी एडिट किया तो मैं सपोज लिखता हूँ कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो आपने किया एडिट वन आपने किया एडिट टू फिर आपने किया एडिट थ्री फिर आपने किया एडिट फोर इस तरीके से सपोज आपने एडिट किया तो एक्चुअली वो होता है क्या है ये सब एडिट्स स्टाक में जाते हैं कैसे जाते हैं सबसे पहले आएगा एडिट वन फिर आएगा एडिट टू फिर आएगा एडिट थ्री फिर आएगा एडिट फोर तो इस तरीके से आपका स्टैक मेंटेन होता है अब अगर कभी भी आपको अंडू करना है तो अंडू में क्या होगा ये एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा मतलब ये जो लास्ट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है ये हट जाएगा तो आप e3 के बाद जो थी जो सिचुएशन वहां एग्जिस्ट कर जाओगे मतलब वहां पहुंच जाओगे अच्छा क्योंकि रीडू भी करना है तो इस e4 को पॉप आउट करके हम एक और स्टैक में डालते हैं e4 में सच that हम जब चाहे रीडू कर सके ठीक है अब सपोज मैंने फिर से अंडू कर दिया तो ई थ्री रिमूव हो जाएगा रिमूव हुआ अब E3 को पे डाल देंगे. इस तरीके से आपका अंडू तो और रीडू काम है बहुत ज्यादा यूज करते हैं और सबसे मतलब यही जो अंडू रीडू है उसका एप्लीकेशन एक्चुअली मतलब किस पे बिल्ट है वो स्टैक पे ही तो बिल्ट है भाई स्टैक को इंप्लीमेंट किया गया अंडू रीडू को राइट काफी हेल्पफुल है

चलो अंडू रीडू के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजर तो वेब ब्राउजिंग जब आप करते हो जब सर्फिंग कर रहे होते हो तो एक पेज पे एक वेब पेज पे हो आप आगे फॉरवर्ड दबाते हो आगे चले जाते हो बैकवर्ड दबाते हो पीछे चले जाते हो कैसे चले जाते हो क्या होता है ये कैसे होता है तो अगेन वही है. और जो आपने एडिटिंग देखा ना वही है तो जैसे सपोज आप पेज वन पे गए तो पेज वन विजिट किया आपने फिर पेज टू विजिट किया आपने फिर पेज थ्री विजिट किया आपने आपने फिर पेज विजिट कर दिया अब इसका क्या होता है स्टैक मेंटेन होता है सबसे पहले पेज वन फिर पेज टू फिर पेज थ्री फिर पेज फोर इस तरीके से स्टैक मेंटेन होता है अब सिचुएशन ये है क्योंकि ये पेजेस मतलब इस तरीके से स्टैक मेंटेन हो रहा है तो अब होने क्या वाला है जैसे ही आपने बैक किया बैक किया तो सबसे पहले क्या आएगा पेज फोर आएगा इसको पॉप आउट कर दिया जाएगा तो सबसे पहले पेज फोर मिलेगा ठीक है फिर आपने फिर से कंट्रोब्ल सॉरी बैक दबाया फिर आपने बैकवर्ड किया ठीक है अच्छा इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको फॉरवर्ड भी जाना है तो पी ये फोर ये नहीं होता में उड़ जाता नहीं इसको भी एक स्टार्ट में पी फोर है P4. ना अब पी थ्री जैसे आप पेज थ्री पे गए थे मतलब पेज थ्री पे गए थे आपने फिर से बैक कर दिया तो पेज थ्री भी पॉप आउट हो गया और पी थ्री भी यहाँ पे एंट्री हो गई ठीक है पी थ्री की भी एंट्री यहाँ पे हो गई तो अब क्या हुआ सिचुएशन कि अब की पेज थ्री भी इसमें एंट्री हो गई तो अब आप एक ऐसी सिचुएशन में पड़े जिसमें लेफ्ट में आपके दो पेजेस हैं पी टू पी वन और राइट में दो पेजेस हैं पी थ्री पी फोर बीच में आप हो तो अगर आपको पी टू पर जाना है तो बैक करना पड़ेगा पी थ्री पे जाना है तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा पी फोर पर जाना है तो दो बार फॉरवर्ड करना पड़ेगा पी वन पे जाना है दो बार बैकवर्ड करना पड़ेगा ये सब कैसे अचीव होता है स्टैक की मदद से होता है तो ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड फीचर है वेब ब्राउजिंग का सर्फिंग का वो कहाँ से अचीव हुआ स्टैक की मदद से अचीव हुआ Okay, so while browsing the web, we move from one web page to another by accessing links between them. In order to go back to the last visited web page, we may use the back button in the browser. In this case, the history of browse pages is maintained as a stack only. Understood? Chalo, next is. पैरें थीसिस मैचिंग अब देखो क्या होता है प्रोग्रामिंग में बहुत बार ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो आपके कंपाइलर को कैसे पता कि कोई भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो एक्चुअली पहले जो होता था पहली सिचुएशन क्या होती थी पहले पैरें का यूज होता था ठीक है पैरें कह दो या फिर आप कर्ली ब्रेसिस कह दो तो सपोज कोई भी ब्रैकेट का यूज हुआ तो जैसे सपोज मैंने कहा कि ये यूज हुआ ये कुछ भी लिखा आपने ये कंप्लीट कर दिया अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है

उसमें क्या होता है एरर आ जाता है जब भी आपका ब्रैकेट कंप्लीट नहीं होता है कोई भी ब्रैकेट हो करली ब्रेसेस हो स्क्वायर ब्रैकेट हो, हो, हो. कंप्लीट नहीं होता है, वहाँ पे आ जाता है क्यों आता है, कर रहा होता है में. वो ये देख रहा होता है कि अगर आपने कोई भी ब्रैकेट ओपन किया है तो उसको क्लोज करना जरूरी है अगर आपने क्लोज नहीं कर रखा है सो दैट इज इन एक्ट दैट विल प्रोड्यूस एन एरर ठीक है तो इसीलिए यूज होता है यूज होता है सिंपली नेक्स्ट पॉलिश स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग एक नया कंसेप्ट है ठीक है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे मतलब डिटेल में स्ट्रिंग को आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं एक एप्लीकेशन पूरा डिटेल में हमें इसको एक्सप्लोर करना है

ठीक है मतलब सबकॉन्शियसली छोटे छोटे लेवल पर यही कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर को भी यही करना है अब कंप्यूटर को यह करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको अरेंजमेंट या समझाने के लिए आप यूज़ यूज़ क्या करते यूज करते हो हो स्टैक का विद हेल्प ऑफ पॉलिस्ट्री बट इन आर यूजल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक में कंसिस्ट बट इन आर यूजल फॉर्म एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ऑपरेटर्स एंड टू ऑपरेट एग्जाम्पल ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड मतलब बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं राइट right? These complex arithmetic operations can be converted into Polish strings using stacks, uh, which then can be executed in two operands and an operator form. ठीक है मतलब सिंपल सी बात है ये जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है

ठीक है तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं स्टार्टअप कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में डिटेल में इसको एक्सप्लोर कर रहा हूंगी बाकी इसका अगर एक हिस्ट्री में आपके लिए आ, लिस्ट कर दूं यहां पे तो स्ट्रिंग नेम्ड आफ्टर अ पॉलिश मैथमेटिशियन जैन लुकेस्विक

ये यूजुअल फॉर्मेट है टू प्लस थ्री कि टू को थ्री से ऐड कर दो या फिर टू प्लस कंफ्यूज कर दो प्री फिक्स फॉर्म फॉर्म प्रीफिक्स मतलब प्लस साइन जो ऑपरेटर है वो स्टार्टिंग में ले जाओ तो मान जाएगा प्रीफिक्स मतलब प्लस ए बी तो ए और बी को ऐड करो सिंबल प्लस है इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म क्या कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म और फिर आता है आपका पोस्ट फिक्स फॉर्म मतलब इसी को प्लस को अगर लास्ट में ले जाओ मतलब ए बी और प्लस लिख दू तो इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म ठीक है तो पोस्ट फिक्स सॉरी विच विच द ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड इधर बिटवीन सॉरी बिफोर इट्स ऑपरेंट्स मतलब ए और बी को सपोज मुझे ऐड करना है तो ए और बी के पहले अगर मैंने डाल दिया तो प्रीफिक्स कहेंगे ठीक है इट्स आफ्टर इट्स ऑपरेंट्स तो ऑपरेंट्स के बाद अगर आपने डाल दिया सिंबल तो उसको कहेंगे पोस्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू यूजल फॉर्म विदर इज प्लेस इन बिटवीन दस जिसको हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं अब इन नोटेशंस का कन्वर्जन ही हमें डिटेल में सीखना है कैसे आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हो और कन्वर्ट बैक करते हो तो ये सब चीजें हम आगे डिटेल में समझ, रह, समझ रहे होंगे मतलब पॉलिश स्ट्रिंग्स को डिटेल में हम आगे कवर कर रहे होंगे आपके सिलेबस में है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एप्लीकेशन ठीक है इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चलू तो नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट इन मॉडर्न कंप्यूटर तो मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करूँ तो उसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो भी स्टार्ट की मदद से होता है जो मैंने आपको फंक्शंस में समझा रखा डिटेल में ठीक है सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर और मोबाइल एलोकेट्स मेमरी टू डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर देर एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप स्टाक ऑफ द फ्री मेमरी दैट कैन या लोकेटेडेडेड टू बी यूज यूजिंग द स्टैक मेमरी तो स्टैक मेमरी की मदद से ही क्या होता है कि किसको कितना कितना मेमरी एलोकेट किया गया है कितना फ्री मेमरी बचा हुआ है ये सब किसके कि, किसकी मदद से पता होता है ये स्टाक की मदद से नजर रखी जाती है स्टाक हमें हेल्प करता है ये चीज़ पहचानने में ठीक है नेक्स्ट इज सम ऑफ प्रोग्रामिंग जो कुछ एल्गोरिथम्स में यूज होते हैं हैं वो लिस्ट करते हैं। तो इन मेनी एल्गोरिथम्स काफी सारे एल्गोरिथम्स में भी इसका यूज होता है जैसे कि टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम टावर ऑफ हनोई एक प्रॉब्लम है बहुत फेमस प्रॉब्लम है उसको यूज मतलब सॉल्व करने के लिए यूज होता है ट्री को ट्रावर्सल करने में ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ट्रावर्सल मतलब एक एक नोड पर जाकर विजिट करना तो ट्री ट्रावर्सल में इसको यूज होता है अच्छा मुझे इससे याद आया एक चीज मैंने आपको नहीं बताई इससे पहले कि जो स्टैक है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है बाकी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी एक्जिस्ट करता है जैसे कि सपोज अगर मैं स्टैक देखूं तो स्टैक में आप कैसे एलिमेंट स्टोर कर रहे हो ए बी सी डी लीनियर वे में सिर्फ स्टोर कर रहे हो ना लाइन से आप इसी को ऐसे भी स्टोर कर सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी तो इस चीज को हम बोलेंगे नॉन लीनियर ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ठीक है

फिर स्टेप थ्री लिया फिर स्टेप फोर लिया इस तरीके से अगर मैंने चार स्टेप्स लिए तो जो मैंने लास्ट स्टेप लिया है उसको बैक ट्रैक करना है कि इसको हटाओ लास्ट स्टेप पे चलो एस थ्री पे चलो वो चीज़ लाने में हमें स्टैक सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इसी की वजह से तो हमने अंडू रीडू बनाया इसी की वजह से तो हमने ब्राउजिंग का बैक जाना बनाया तो इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है आपका क्या इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है स्टैक सो वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज बैक ट्रैकिंग एंड इट इज़ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ पर्सन लाइक नाइट टूर प्रॉब्लम एनक्विन प्रॉब्लम फाइंड योर वे थ्रू अ मेज प्रॉब्लम एंड गेम लाइक चेस चेकर्स और सूडोकू इन सब में बैक ट्रैकिंग यूज होता है और बैक ट्रैकिंग को यूज मतलब सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैकिंग यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हो उस ट्रैक का ठीक है। बट इट इज ऑल्सो यूज इन ऑप्टीमाइजिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम को भी ऑप्टिमाइज करने में बहुत हेल्प करता है कंपाइलर्स स्टैक का टू स्टोर द प्रीवियस वर्जन या प्रीवियस स्टेट ऑफ द प्रोग्राम एन इज कॉल्ड और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये चीज मैंने आपको इवन इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी फंक्शन जब आपने कॉल किया है उसको स्टोर करने के लिए यूज कराया है किसका स्टैक का ठीक है तो भाई ये सब एप्लीकेशन स्टैक के देखा कितने सारे एप्लीकेशन और इवन दैट विल गो ऑन लिस्ट विल गो ऑन बहुत बड़ी लिस्ट है बढ़ती रहेगी आगे अगर हम अभी फिलहाल नहीं रुके तो ठीक है बट यहां फिलहाल मैंने आपके लिए वो एग्जाम्पल्स लिस्ट कर दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं जो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए तो वो प्रॉब्लम्स हमने वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे फिलहाल लिस्ट करके देख लिए सारे एप्लीकेशन अच्छा एक प्रॉब्लम जरूर आपको होगी एक चीज समझने में दिक्कत होगी कि ये सब क्या प्रॉब्लम्स है टावर ऑफ अनॉय ट्री ट्रेवल्स स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम हिस्टोग्राम प्रॉब्लम ठीक है ये सब क्या है वट इज दिस नाइट टू प्रॉब्लम वट इज़ दिस एनी क्वीन प्रॉब्लम तो यार देखो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आकर कर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ करे और उन एल्गोरिथम्स को हमने लॉजिकली जब बिठाया तो उन सब में एक्चुअली हम जो कुछ एल्गोरिथम्स यूज कर रहे थे वो एल्गोरिथम्स ही तो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए बाय चांस हमने किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है अननोइंगली यूज़ किया है उन सिचुएशंस में और अब नोइंगली यूज़ करते हैं तो वो यहां पे क्या है वो यहां पे स्टैक

सो वॉट इज साइज सो साइज ऑफ रेफर्स टू दंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कैन होल्ड तो साइज क्या चीज बताता है तो so साइज बताता है कि मैक्सिम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर स्टाक क्या होल्ड कर सकता है so ये मैंने कहा स्टाक है ठीक है सपोज ये कबर्ड टाइप है अब ये कबर्ड के चार खाने वन टू थ्री फोर ठीक है फोर स्पेसिस है आप यहाँ रख सकते हो यहाँ रख सकते हो यहाँ रख सकते हो यहाँ रख सकते हो तो कितना रख सकते हो ये है साइज सो साइज इज वॉट यहाँ पे साइज है फोर सो साइज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टैक कुड होल्ड तो साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉप सो टॉप रेफर्स टू द एंड फ्रॉम वेयर द एलिमेंट्स आर एडेड और डिलीटेड तो जहां से एडिशन या डिलीशन अगर करने वाला है उसको हम कहते हैं टॉप जैसे अगर आप यहां पे देखो यहां पे अगर आप देखो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक भर चुके हैं तो अब जो नेक्स्ट आपको एलिमेंट एंड एड करना है इस एंड से करना है तो यहां पर टॉप हो गया सिक्स यहां पर टॉप क्या हो जाएगा यहां पर टॉप फोर हो जाएगा क्योंकि फोर से आपको एड या फिर डिलीट करोगे तो यहां पे टॉप क्या हो जाएगा तो ऐसा मतलब वो एंड जहां से आपका एडिशन मतलब आप एलिमेंट को इंसर्ट करने वाले हो या डिलीशन पॉप करने वाले हो वो क्या होता है वो आपका होता है टॉप जैसे यहां परिफर्स टू द एंड फ्रॉम वेयर द एलिमेंट्स आर एडेड और डिलीटेड ठीक है नेक्स्ट इज पुश सो पुश एड्स अ न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इट इज एन इंसर्शन ऑपरेशन वी कैन एड एलिमेंट्स टू अ स्टैक अंटिल इट इज तो स्टैक में जो आप एलिमेंट्स को ऐड करते हो ठीक है एक एक करके ऐड करते हो एलिमेंट्स वो किसकी पुश ऑपरेशन की मदद से, से करते हो तो पुश बेसिकली क्या करते हैं एलिमेंट को ऐड करने का काम करते हैं स्टैक में जैसे कि स्टैक है मैंने यहां लिखा पुश वन तो मैं क्या करूंगा पुश इज इक्वल टू वन हैन तो पुश वन मतलब ये वन एलिमेंट जाएगा स्टैक के अंदर चला जाएगा ऐसे सपोज यहाँ वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैंने कहा पुश टू तो टू को पुश कर दो तो ये क्या करेगा सेकेंड एलिमेंट को पुश कर देगा अंदर तो पुश टू में क्या करेगा सेकेंड एलिमेंट अंदर पुश हो जाएगा तो पुश ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट को अंदर ऐड करने के लिए स्टैक में यूज होता है

चेक करना कि क्या ये पर्टिकुलर स्टैक पूरा भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है अगर भरा हुआ है तो यह रिटर्न करता है ट्रू अगर नहीं भरा हुआ तो ये रिटर्न करता है फॉल्स तो चेक करना कि एक स्टैक भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है इसको कहते हैं इज फुल फ़ंक्शन। ऐसे इज एम टी एक है कबर्ड है, है कि नहीं ये चेक करने का मतलब जो आप कबर्ड यूज हो स्टैक यूज हो ये एम टी है कि नहीं खाली है कि नहीं ये चेक करने का काम करता है। तो अगर ये खाली है ये रिटर्न करेगा ये yes, अगर नहीं है कुछ भी एलिमेंट एक भी एग्जिस्ट करता है तो ये कह देगा हाँ है। मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है अगर ये कंप्लीटली खाली है तो आंसर आ जाएगा यस yes. बट इसमें अगर एक दो एक दो एलिमेंट भी है इसके अंदर तो आंसर आ जाएगा नो no. अब सेम गोल्स फॉर दैट एज वेल मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सेम गोल्स फॉर दैट एज वेल अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो आंसर आएगा यस बट अगर एक दो एलिमेंट भी इसके अंदर मिसिंग है तो इसका आंसर आ जाएगा नो no. ठीक है इस एज का ठीक है क्लियर है कंप्लीटली ओके इसके बाद नेक्स्ट आता है इज एम टी के बाद ओवरफ्लो अब ओवरफ्लो वो सिचुएशन है जिसमें एक स्टैक फुल हो चुका है तब बट, बट अब तब भी एलिमेंट उसमें डालने की कोशिश कर रहा है

Trying to delete an element from an empty stack results in an exception called underflow. आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो जब तक वो एम नहीं है मतलब जब तक उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचे हुआ तब तक आप डिलीट कर सकते हो बट एक बार एक स्टैक एक बार एक खाली हो गया। उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ हो चुका है तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिल जाएगा विच इज नोन एज अंडर तो अंडर वो एक्सेप्शन है जो रेज हो जाता है जब आप एक स्टॉक में से कोई भी एलिमेंट को पॉप आउट करने की कोशिश करते हो जो क्या है जो एम

ठीक है क्योंकि सिंपल सी बात है पॉप अप तब कर पाओगे जब ये खाली नहीं है आप पुश तब कर पाओगे जब ये फुल नहीं है है ठीक अगर ये फुल है तो इसमें पुश नहीं कर सकते अगर ये एम है तो इसमें पॉप नहीं कर सकते तो पुश पॉप ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इज एम टी फुल चाहिए और इज एम टी इस फुल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टॉप और साइज़ की अच्छी इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली में जब हम आगे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा बट अगर इन सब कंडीशंस को देखते हुए भी पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो आता है जो आपको मैसेज को डिस्प्ले करना है ओवरफ्लो अंडरफ्लो तो वो भी समझ में चाहिए ठीक है अब ये सब जो भी ऑपरेशन है ये सब हमने थेरेटिकली तो समझ लिए कि क्या क्या मतलब रखते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं थेरेटिकली हमें चीज़ें समझ में आ गई दैट इज़ वेल एंड गुड ठीक है बट इनको प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो ये सारे ही मैं एक आपको मोड में और बना के दिखाता हूं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो क्योंकि यूज होने वाला है ठीक तो है तो जैसे कि यहां पर हम देखते हैं ठीक है अब अगर मैं यहां पर यह कहूं कि सपोज मुझे साइज की बात करनी है तो जैसे सपोज हॉरिजॉन्टली अगर मैंने बनाया

जो नेक्स्ट आपका है टॉप व्हाट इज टॉप हेयर तो बेसिकली जब तक कुछ भी इंसर्टेड नहीं है तब तक टॉप क्या है टॉप अप का रहता है अब देखो आप कुछ भी इनसिग्निफिकेंट नंबर दे सकते हो जैसे कि अगर मैं कहूं यहां ही, तो यहां पे जो स्टैक चार साइज का है इसके अगर मैं कहूं एलिमेंट तो ये जीरो है वन है टू है थ्री है एलिमेंट नहीं मतलब इंडेक्सिंग जीरो वन टू थ्री है तो या तो आप टॉप जब भी दोगे तो इंडेक्स के हिसाब से दोगे बिकॉज वो उसको सिग्निफाई करेगा प्रॉपरली और इसके अलावा कुछ भी इनसिग्निफिकेंट नंबर आप टॉप रख सकते हो इफ यू वॉन्ट तो आप लिख सकते हो देखो तो नेगेटिव भी जाएगा नहीं तो आप लिख सकते हो टॉप इज माइनस वन ठीक है बट यू वेरी वेल नो कि मतलब ऐसा रखा जाता है बट यू वेरी वेल नो पाइथन में टॉप का मतलब माइनस वन का सिग्निफिकेंस होता है तो हम पाइथन में जब भी कुछ नहीं है तो टॉप को हम रखेंगे न क्या रखेंगे तब हम रखेंगे न ठीक है मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि टॉप यहां पॉइंट कर रहा है टॉप क्या कर रहा है यहां पॉइंट कर रहा है मतलब अभी फिलहाल कुछ भी ना इंसर्शन डिलीशन का कुछ नहीं पता है तो बेसिकली कहां से इंसर्शन डिलीशन करना है वो बताता है तो उसके जस्ट बाद से आप इंसर्शन डिलीशन करते हो ठीक है अब सपोज मैंने यहां पे ये यह कह दिया कि भाई एड या पुश कर दो ए, ए एलिमेंट को पुश कर दो किसी भी एक एलिमेंट को जिसका नाम है ए तो क्या होगा कि आपका ए यहां पे पुश हो जाएगा तो अब ए यहां आ जाएगा और ये जो पॉइंटर है इसको पॉइंट करना लग जाएगा

अब इसके मैंने कहा सी भी कर दो पुश तो सी क्या करेगा यहां पुश करके यहां पे पहुंच जाएगा ठीक है तो यहां सी आ गया ऑल तो इसके ऊपर मैं एक एप्लीकेशन मतलब एक वीडियो लेके आऊंगा समझाने के लिए नेक्स्ट है ना एक एग्जाम्पल लेके तो वो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा डोंट वरी बोट ठीक है अब इसके बाद सपोज मैंने आपसे ये कहा कि मुझे पॉप करके दे दो सी को तो मैंने कहा पॉप कर दो अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि मुझे क्या पॉप करना है क्योंकि मैं रैंडमली ए बी को रिमूव नहीं कर सकता जब भी मैंने पॉप कहा तो मेरे लिए मेरे पास ये सी रिमूव होके आ जाएगा तो सी रिमूव होके बाहर आ जाएगा तो सी रिमूव होके बाहर आ गया तो टी आपका वापस से बी पहुंच जाएगा ठीक है फिर मैंने कहा कि यार मुझे डी और ई e भी पुश कर दो डी और फिर ई e को ही पुश कर दो तो क्या होगा यहां डी आ जाएगा टी यहां चेंज हो जाएगा फिर ई e आगे आ जाएगा और टी यहां चेंज हो जाएगा तो इस तरीके से टी पहुंच जाएगा और जैसे ही आपका जो टी है मतलब टी जो है जैसी टॉप जो है लेंथ माइनस होता है जैसी लेंथ 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 होता है। क्या है? 4 है। क्या तो इससे इस यहां पे अब नेक्स्ट एलिमेंट एंटर करके दिखाओ तो सिचुएशन क्या हो जाएगी ओवरफ्लो हो जाएगी जो हमने समझा तो ओवरफ्लो क्या होता है तो हमने टॉप समझ लिया पॉप समझ लिया

ठीक है अब इसके बाद अगर सपोज मैंने कहा कि इसको पॉप आउट कर दो सारे एलिमेंट्स को पॉप आउट कर दो तो अब ये टी कहां जाएगा यहां आ जाएगा नन पे तो टी आपका नन पे आ गया अब मैं कहूं कि यार अब फिर से पॉप कर तो अब अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं पॉप करने की कोशिश करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको देखने को यहां आपको देखने को मिलेगा अंडर फ्लो तो अंडर फ्लो मतलब वहां से पॉप करना जहां पे कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये है भाई आपके सारे ऑपरेशन ऑल दो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाता हूं ये सब ऑपरेशन के बारे में बारे में मतलब पॉप साइज पुश पॉप साइज हो गया ठीक है फिर टॉप हो गया फिर अंडरफ्लो ओवरफ्लो ये सब समझाता हूं बिकॉज जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो पाइथन की मदद मतलब से तो ये सब चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कंसेप्चुअली चीजें क्लियर नहीं होगी तो आप इसको समझ नहीं पाओगे तो एक एक्जाम्पल की मदद मतलब से नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं फिर जब उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तब चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है चलो तो ये था आपका कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एंड कुछ ऑपरेशंस रिलेटेड टू स्टॉक बाकी आगे और स्टाक के बारे में सीखने के लिए कुछ आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिएगा उसमें आपको स्टाक और डिटेल में समझ में आ जाएगा फिलहाल अगर हम इसमें आगे तो एक सिंपल सा चीज है स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या है गिवन अ स्टैक ऑफ साइज फोर विच इज इनिशियली एम टी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन इन अ सीक्वेंस ठीक है परफॉर्म नहीं परफॉर्म तो आपको क्या करना है एक स्टाक दे रखा है जिसका साइज क्या है फोर है और वो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या है भी फिलहाल वो एम है तो आपको परफॉर्म करना है ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो भी आपके पास है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है ना एक एक करके आपको ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ठीक है ठीके? अब इसमें अगर आप देखो तो पुश है पॉप है ठीक है ये सब है अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको स्टाक पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है पहले आपको स्टाक बनाना पड़ता है तो आपके पास क्या होना चाहिए एक स्टाक होना चाहिए जो फिलहाल एम्प्टी है ठीक है तो स्टैक इज एम्प्टी तो मैंने क्या किया ये एम्प्टी स्टैक बना लिया ठीक है जो हम डेफिनेटली लिस्ट के तरीके से देख रहे हैं इसमें क्या है ये एक स्टैक है ठीक है जिसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 ठीक है ये इंडेक्सिंग जिससे होती है आपकी स्टैक की इंडेक्सिंग ठीक है और यहां पे मैं हमेशा एक स्टैक सबसे पहले देखो कोई भी काम आपको शुरुआत करनी है स्टैक में सबसे पहले क्या करना है स्टैक इंप्लीमेंट करना है स्टैक बनाना है जैसे मैंने बनाया यहां पे और यहां पे जो एक वेरिएबल है टॉप उसको स्पेसिफाई करना जैसे यहाँ पे फिलहाल मैंने टॉप स्पेसिफाई कर दिया अब बेसिकली ये जो एरो में यूज कर रहा हूँ ये टॉप को ही रिप्रेजेंट के लिए यूज कर रहा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए कि टॉप कहां पर जैसे फिलहाल क्या है फिलहाल किसी भी आपके बॉक्स पे नहीं पॉइंट कर रहा है

पॉप पुश डब्ल्यू पॉप फिर पुश वी पुश यू पुश टी पॉप 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 ये आपको करना है ऑपरेशन परफॉर्म अब इनको हम बार बार तो नहीं देख पाएंगे तो यहाँ पे आपके ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जो नेक्स्ट आपको करने हैं तो नेक्स्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो नेक्स्ट हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है पुश जेड अब पुश जेड जेड में जैसे मैंने लिखा पुश जेड मतलब क्या कि मुझे जेड कैरेक्टर है ये उठा के यहाँ रख देना है भाई तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये पुश Z करने पे जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब इस पर्टिकुलर लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टैक का जो फर्स्ट एलिमेंट है फुल हो जाएगा अब स्टैक बेसिकली आपने जो अभी तक देखा है वो कैसा देखा है आपने इस तरीके से देखा है कि ये एक स्टैक होता है अब जब मैं Z को इसमें पुश कर रहा हूं तो मतलब जेड को यहां डाल रहा हूं तो यहाँ पे इस तरीके से जेड भर जा रहा है अब इसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स है वो इसके ऊपर आपके स्टैक होते चले जाएंगे बट यहां जो आपको मेन समझने की बात है कि एक्चुअली में इस तरीके से मेमोरी नहीं दिखेगी मेमरी तो आप लिस्ट के में रिप्रेजेंट करोगे ना तो आपको ये इमेजिन करते हुए चलना है कि जो आपका पुश हो रहा है वो यहां जेड से हो रहा है ठीक है तो पुश कहां से हो रहा है जेट से अब ये चीज दिखाने के लिए कि जहां पे आपने अब देखो सिंपल सी बात है जब आप स्टैक मतलब ऐसे एक के ऊपर एक रखते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है मैं ये कहूं कि मेरा यहां पे सपोज ए रखा है फिर बी रखा है फिर सी रखा है फिर डी रखा है फिर ई रखा है फिर एफ रखा है, है, है इस तरीके से रखा है सो यू वेरी वेल नो कि यही आपका टॉप है यहीं से आप एंट्री करोगे यहीं से आप एग्जिट करोगे यू वेरी वेल नो दैट

अब स्टैक की मुझे साइज पता है चार तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्टैक की साइज चार है मतलब ये सिर्फ चार ही ले सकता है ठीक है तो उसके ज्यादा नहीं ले सकता नेक्स्ट बस एक बार और ले सकता है उसके बाद नहीं ले पाएगा उसके बाद फिर चीजें गिरने लग जाएंगी राइट चलो ये हो गया पुश एक्स समझ में आया आप देखो पुश एक्स करने के बाद क्या होगी सिचुएशन वही होगी ना एक्स आ गया आ पे, यहां पे यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया और यहाँ एरो आ चुका है राइट इस तरीके से आपका एक्स हो गया पुश तो टॉप क्या बन चुका है देखना टॉप क्या है टॉप क्या बन चुका है टॉप बन चुका है आपका टू ठीक है तो सेकंड एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है टॉप तो टॉप क्या बन चुका है टू बन चुका है इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करूं तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है पॉप अब पुश करने के बाद फाइनली आप आ गए हो पॉप करने पे अब पॉप क्या होता है बेसिकली तो जो लास्ट एलिमेंट टॉप है इसीलिए सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को हटा देना है तो पॉप एक्स मतलब तो आसान है कि यहां से एक्स हटा दो बट यहां पर क्या भाई यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि कहां से करना है यहां से करना है यहां से करना है कहां से करना है कैसे पता चलेगा तो इसीलिए टॉप मेंटेन हो रहा है इसलिए एरो बना रखा है मैंने यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहां से करना है और अगर मैं

इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट कहूं कहूं मतलब ऑपरेशन जो कहूं क्या है तो नेक्स्ट ऑपरेशन है पुश अब जैसे ही आपने यहां से X को पॉप कर दिया है तो अब यहां पे एक स्पेस फिर से क्रिएट हो गई है तो जब आप डब्ल्यू को एंटर कराओगे तो डब्ल्यू यहां एंटर हो जाएगा और ये जो आपका अभी फिलहाल एरो यहां पे था यहां से कनेक्शन ब्रेक हो गया वापस यहीं आ जाएगा मतलब आप क्या कर रहे हो फिर से पुश करते दे रहे हो डब्ल्यू को तो डब्ल्यू फिर से अंदर आ चुका है ठीक है तो अब जैसे ही आप ये करोगे तब क्या देखने को मिलेगा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे क्या बन चुका है यहाँ डब्ल्यू आ चुका है यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है और यहाँ एर आ चुका है तो कुछ इस तरीके से आपका डब्ल्यू आ चुका है और ये आपका लास्ट में स्टार बन चुकी है डब्लू के साथ एंट्री के बाद ठीक है और टॉप अगर आप देखो तो अब इस बार टॉप टू बन चुका है इससे पहले टॉप वन हो गया तब टॉप फिर से टू हो चुका है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट फिर से हमें पॉप करना है ठीक है तो नेक्स्ट एक और एलिमेंट को पॉप कर देना है तो हम क्या करेंगे यहां पे पॉप करेंगे तो पॉप क्या करेंगे डब्ल्यू को पॉप कर देंगे तो डब्ल्यू को यहां से रिमूव कर देंगे क्योंकि टॉप क्या है डब्ल्यू की तरफ है तो क्योंकि डब्ल्यू की तरफ है तो ये एलिमेंट यहां से रिमूव हो जाएगा ये जो एरो है ये भी यहां से हट जाएगा और ये वाई को पॉइंट करने लग जाएगा राइट right. अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कैसे तो तो है ये देखिए तो से रिमूव हो टॉप क्या बन चुका है टॉप तो आपका फर्स्ट इंडेक्स बन चुका है सेकंड इंडेक्स से हटके क्या बन चुका है फर्स्ट इंडेक्स बन चुका है और यह यहां से क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तो कुछ इससे बन जाएगी ठीक है कुछ इस तरीके से आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया इसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढूं तो नेक्स्ट क्या है आपको ठीक है और ये जो पॉइंटर है वो यहां से हटके क्या जाएगा यहाँ जाएगा तो पॉइंटर आपका टॉप जो है वो टू पे चला जाएगा तो अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो क्या आ गया तो यहाँ पे वी आ चुका है देखो ये वी हो गया है ना ये पॉइंटर यहाँ से हट चुका है यहाँ पे आ चुका है टॉप टू पे तो आप देखो टू हो चुका है फिर से ठीक है अब नेक्स्ट अगर इसमें ऑपरेशन को तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट पुश है फिर से यू को पुश करना है मतलब नेक्स्ट फिर यू पुश करना है तो, तो यहाँ पे आप क्या पहुंच चुके हो यहाँ पहुंच चुके यू पे तो अब नेक्स्ट क्या करना ने है आपको यहाँ यू एंटर करा देना है और आपका पॉइंटर यहां आ जाएगा और यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो कुछ ऐसा काम करना है आपको ठीक है अब जैसे मैंने यह काम किया तो देखो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी ठीक है अब ये हो चुका है ठीक है अब आपका स्टैक भर चुकी है भाई है ना अब इसके बाद कुछ और आप पुश नहीं कर सकते नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं क्या है नेक्स्ट ऑपरेशन भाई इन्होंने फिर से पुश दे दिया यार टी अब पुश कैसे करोगे जगह तो बची नहीं स्टैक तो फुल हो चुका है जगह ही नहीं बची कैसे पुश करोगे यहाँ पर भी कहाँ ओवरफ्लो थोड़ी कर दोगे है ना मतलब बाहर थोड़ी हवा में थोड़ी खड़ा कर दोगे तो नहीं हो सकता ना तो सिचुएशन ये है कि जब आप पुश टी कर रहे हो क्योंकि स्टैक ओवर है फिल्ड है कंप्लीटली फिल्ड है ठीक है जहां पर अगर आप देखो तो ध्यान से देखना ओवर साइज की सिचुएशन क्या है तो ओवर साइज सॉरी कंप्लीटली फिल होने की सिचुएशन क्या है तो कंप्लीटली फिल होने की सिचुएशन ये है कि जब का टॉप है जो टॉप है विच इज वॉट विच इज लेंथ माइनस वन तो टॉप किसके बराबर हो गया लेंथ ऑफ जो पर्टिकुलर जो भी आपका स्टैक है माइनस वन हो चुका है तो स्टैक के लेंथ के माइनस वन हो चुका है

ठीक है तो ध्यान से नोट करिएगा नोट ओवरफ्लो बिकॉज द स्टॉक इज बाउंडेड इट कैन नॉट ग्रो इफ इट कुड ग्रो देन देर वुड हैव बीन नो ओवरफ्लो अंटिल नो मेमोरी इज लेफ्ट ठीक है तो ओवरफ्लो सिचुएशन है रीजन क्या बिकॉज स्टॉक इज बाउंडेड तो ये क्या कर सकता है ये ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि स्टैक आपकी बड़ी नहीं हो सकती साइज स्पेसिफाइड है फोर की लेंथ स्पेसिफाइड है ना फोर साइज स्पेसिफाइड है तो क्योंकि फोर साइज स्पेसिफाइड है तो ये ग्रो नहीं कर सकती बढ़ नहीं सकती तो स्टैक फुल हो चुकी है तो अब इसके बाद अगर आप एंट्री करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ओवरफ्लो मिल जाएगा बट इफ इट कुड ग्रो अगर ये किसी तरीके से बढ़ सके मतलब अगर किसी तरीके से इसके साइज में बढ़ा सकूं देन देर वुड हैफ्लो एंटिल नो मेमरी इज लेफ्ट बट अगर मैं कहूं कि यार यू के बाद अगर सपोज मेमरी कमी है एक और सेल बना लो एक और सेल बना लो एक और सेल बना लो इस तरीके से सेल बनाते चले जाओ अगर ये चीज अलाउड हो जाए ये चीज मैं कर सकूँ तो कभी ओवरफ्लो सिचुएशन आएगी ही नहीं जब तक मेरी कंप्यूटर की पूरी मेमरी खत्म ना हो जाए जो मेमरी मेरे पास अवेलेबल है पूरी मेमरी अब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं बनाता रहूंगा बनाता रहूंगा बनाता रहूंगा नया सेल आता रहेगा ठीक है एक्चुअली में यह खासियत है या ये ये डिफरेंस है पाइथन का बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप स्टैक बनाते हो तो उसकी साइज फिक्स्ड होती है जब आप पाइथन में इंप्लीमेंट करते हो स्टैक को तो वो आप इंप्लीमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट लिस्ट को यूज करके लिस्ट हमने पढ़ा हुआ है डेटा टाइप तो उसको यूज करके हम बनाएंगे स्टैक

लिस्ट बनाते हैं इस तरीके से। तो जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो ये ये क्या है? Extendable है। एक्सटेंडेबल आप पाइथन में तो स्टैक तो को इंप्लीमेंट कर दोगे हेल्प ऑफ लिस्ट तो आपका ओवरफ्लो की सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं बट प्रैक्टिकली ओवरफ्लो की सिचुएशन आती है स्टैक में ठीक है अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको करते हो तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा पाइथन से कैसे मतलब पाइथन में जब आप स्टैक को इंप्लीमेंट करते हो तो क्या डिफरेंस है लिस्ट की यूज सॉरी लिस्ट को यूज करके पाइथन में लिस्ट को यूज करके जब आप स्टैक इंप्लीमेंट करते हो तो क्या डिफरेंस आता है ठीक है तो यहां साइज का कोई कंसेप्ट रह ही नहीं जाता ठीक है ऑल दो जैसी ओवरफ्लो सिचुएशन होगी तो टॉप चेंज नहीं होगा कुछ भी चेंज नहीं होगा ठीक है चलो अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास दैट इज पॉप तो नेक्स्ट पॉप करेंगे तो नेक्स्ट पॉप में क्या होगा यू हट जाएगा यू मतलब एरो हट जाएगा वी पे एरो आ जाएगा तो ये जो यू है ये यू एलिमेंट बाहर आ जाएगा ठीक है तो ये यू बाहर मतलब ये गायब और क्या आ जाएगी सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी तो ये यू बाहर हो चुका है और ये एरो वी पे आ गया है नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है नेक्स्ट ऑपरेशन फिर से पॉप है फिर से आपको पॉप करना है तो फिर से पॉप करना है तो क्या होगा फिर से वी पॉप हो जाएगा है ना ये एरो भी यहां पॉइंट करने लग जाएगा टॉप वन पे फिलहाल टॉप टू पे है फिर वन पे आ जाएगा यहां से भी वी क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा तो ये कुछ सिचुएशन आ जाएगी जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो सिचुएशन ये आ जाएगी तो वी हट गया ये हट गया और एरो क्या हो गया वन पे आ गया फिर से पॉप करना है ठीक है नेक्स्ट ऑपरेशन फिर से पॉप है लास्ट सारे पॉप थे तो अब ये वाई को फिर से रिमूव करेंगे तो वाई यहां से हट जाएगा और यहां से भी वाई हट जाएगा और ये जो पॉइंटर है ये यहां पर आ जाएगा ये हट जाएगा राइट जब आप इसको रिमूव करोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी खाली जेड बचा हुआ है ठीक है हट चुका है सब और खाली z बचा हुआ है नेक्स्ट फिर से पॉप करना है आपको फिर से पॉप आपने परफॉर्म किया तो क्या होगा ये z भी रिमूव हो जाएगा अब ये z क्या हो गया ये z भी रिमूव हो गया है ये z भी रिमूव हो गया है और ये देखना ध्यान देना जब भी आप किस स्टैक पे एक एलिमेंट बचता है और उसको आप पॉप करते हो तो आपका जो ये जो इंडेक्स है जो टॉप है वो क्या करने लगता है वो आपका नन पे पॉइंट करने लगता है वापस से नन हो जाता है देखो वापस से क्या हो गया नन हो गया एम हो गया स्टाक और यहाँ पे फिर से क्या हो गया सिचुएशन फिर से भाई हो गया आपका नन ठीक है सो टॉप वापस से नन हो चुका है एम हो चुका है स्टाक ठीक है अब इसके बाद अगर आप फिर से पॉप परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो क्या सिचुएशन आ जाएगी भाई स्टैक खाली पड़ी हुई है स्टैक क्या पड़ी हुई है स्टैक पड़ी हुई खाली जब स्टैक खाली है तो आप इस पर कैसे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो क्या रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो कुछ रिमूव कर ही नहीं सकते ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगी आपके पास प्रॉब्लम तो टॉप की सिचुएशन यहाँ पे क्या है नन है तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि

आई होप ये चीज समझ में आई होगी तो अब इसके फिर से पॉप करोगे तो क्या सिचुएशन हो गई सिचुएशन हो गई अंडर फ्लो की तो अब आप इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते और यही था आपका लास्ट फोर्टीन ऑपरेशन जो आपका कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से आपने स्टैक में एलिमेंट्स को ऐड किया रिमूव किया पॉप किया मतलब पुश किया पॉप किया उसी बीच में आपने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो सिचुएशन भी देख ली जिसमें टॉप का हमेशा आपको मेंटेन करके चलना है बिकॉज टॉप की मदद से आप पुश पुशअप आप करने वाले आगे एलिमेंट्स में साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके साइज जितना है उसी पे सीमित रहे उसके बाद अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो ओवरफ्लो सिचुएशन हो जाएगी ठीक है ऑल द पाइथन में साइज का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा बिकॉज लिस्ट क्या हो सकती है एक्सटेंड हो सकती है ठीक है तो ये सब हमने देखा तो ये आपका आई होप इसके साथ आपको ये एग्जाम्पल देखने के बाद परफेक्टली जो है जितने भी आप स्टैक पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते वो हो वो ऑपरेशंस आपको कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे विद दिस एग्जांपल और कोई डाउट नहीं बचा होगा ठीक है अगर अभी भी कोई भी डाउट बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ठीक है बाकी इसके बाद आगे हम क्या करेंगे अब बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से आप इस स्टैक को बना सकते हो ठीक है पाइथन में कैसे स्टैक को क्रिएट कर सकते हो तो दो पार्ट में करेंगे पहले तो लॉजिक समझेंगे कि किस तरीके से बनाना है लॉजिक डिस्कशन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है तो उन आने वाली वीडियो के लिए बने रहेगा फिलहाल अगर इसमें आगे बढ़े तो नेक्स्ट सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग पाइथन सो इन पाइथन वी कैन यूज लिस्ट टू इंप्लीमेंट स्टैक्स Python offers a lot of list methods and functions to perform लॉट ऑफ लिस्ट offered एंड stack. सिंपल सी बात है कि पाइथन की जब मैं बात करता हूं तो पाइथन में मैं स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाऊंगा या क्या यूज करूंगा लिस्ट को यूज करूंगा लिस्ट का यूज करूंगा मैं स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए ठीक है मतलब जो स्टैक बनाने वाला हूँ वो लिस्ट की मदद से बनाने वाला हूँ ठीक है अब आप कहोगे सर ये तो डेटा टाइप है टाइप के से कैसे बना रहा हूं यस yes, डेटा टाइप है बट अगर इसके साथ आपने कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज स्पेशल फंक्शंस को एड ऑन कर दिया तो ये डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा ठीक है डेटा स्ट्रक्चर क्या है एक टाइप का ऐसा कंटेनर जो डेटा वैल्यूज को होल्ड कर सके और वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज कुछ स्पेशल फंक्शन ऑफर करता हो कुछ स्पेशल uh, ऑपरेशंस को ऑफर करता हो तो और वही लिस्ट अगेन डेटा को स्टोर कर सकता है अगर इसमें आपने कुछ एडिशनल इसके फंक्शन ऑपरेशन फीचर्स एड कर दिए तो ये डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा लिस्ट की मदद से स्टैग बनाऊंगा और इस पर एक्सटर्नली कुछ ऑपरेशन या फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा ठीक है सो लिस्ट ही क्यों बना रहा हूं मैं बेसिकली लिस्ट ही क्यों ले रहा हूं तो पहली बात लिस्ट जो है आपके मल्टीपल डेटा टाइप्स ले सकता है मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ इंटीजर्स सिर्फ स्ट्रेंग्स uh, या सिर्फ किसी भी टाइप के कैरेक्टर पे ये फिक्स्ड नहीं है ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है ये किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू होल्ड कर सकता है पहला ऑप्शन या पहला रीज़न दूसरा रीज़न ये बहुत सारे ऐसे फंक्शन ऑफर करता है जिससे स्टाक इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाता है ठीक है ये बहुत सारे ऐसे फंक्शन दे, दे, देता है ऑफर करता है जो हमने पह, पहले पढ़ रखे क्लास इलेवेंथ में हमने बहुत सारे ऐसे फंक्शन पढ़ रखे ना जो लिस्ट ऑफर करता है डिटेल में पढ़ा है तो ये वही ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं यूज कर सकते हैं जैसे कि स्टैक का जो बनाना है मतलब जो स्टैक हम बना रहे हैं वो बनाना आसान हो जाएगा पाइथन ऑफर लॉट ऑफ लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन टू परफॉर्म ऑपरेशन विच आर ऑफर्ड स्टैक तो जो स्टैक जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो हम इस लिस्ट के साथ हाँ जोड़ना चाह रहे हैं वो हम बड़ी आसानी से उसके बिल्ट इन फंक्शन या मेथड को यूज करके कर सकते हैं ठीक है ना बेसिकली वी नीड टू इंप्लीमेंट फोर ऑपरेशन ऑन स्टैक अब स्टैक अगर मुझे बनाना है स्टैक मुझे अगर बनाना है तो उस पर बेसिकली चार ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने है पश पॉप पीक एंड डिस्प्ले बेसिकली क्या करना है बेसिकली मुझे चार ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं पुश पॉप पीक एंड डिस्प्ले पुश मतलब एलिमेंट को लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए पुश बनना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद पॉप मतलब एलिमेंट को रिमूव करने के लिए फंक्शन बनना चाहिए पीक मतलब क्या होता है पीक मतलब होता है कि जो टॉप है मतलब जो टॉप है आपका जो टॉप पॉइंट कर रहा है वो किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट डिस्प्ले हो जाए तो पीक जो है टॉप एलिमेंट देखने के लिए होता है डिस्प्ले मतलब पूरी स्टाक ही देखने के लिए होता है तो ये काम करने के लिए आपको ये फंक्शन बनाने पड़ेंगे मतलब अगर आपने लिस्ट बनाई लिस्ट बनाई एक उसको स्टाक नाम दिया उस पर अगर आपने ये फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिए तो वो लिस्ट स्टाक बन जाएगी ठीक है अब इन इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको एक एडिशनल फंक्शन की और जरूरत पड़ती है जैसे अगर मैं पुश की बात करूं तो पुश इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक फंक्शन की इज इज फुल मतलब आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी ये चेक करने की कि जब भी आप किसी भी स्टाक में एक कोई भी एलिमेंट को एंटर कराने वाले हो इनपुट कराने वाले हो ठीक है पुश करने वाले हो तो वो पर्टिकुलर स्टाक कई पूरी भरी तो नहीं है ऑलरेडी अगर भरी हुई है तो आप इस फुल का कैसे रन करोगे नहीं कर सकते ना ठीक है या फिर अगर आप पॉप कर रहे हो तो एक स्टैक में से आप एलिमेंट को निकालना चाह रहे हो रिमूव करना चाह रहे हो अगर उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं बचा रिमूव करने के लिए तो यहाँ चेक करना पड़ेगा ना कहना की स्टैक एम तो नहीं है पीक करना चाह रहे हो आप टॉप के एलिमेंट को देखना चाह रहे हो बट अगर वो स्टैक एम पड़ी हुई है तो पीक कैसे करोगे फुल पे जरूर कर लोगे फुल पे आप पॉप भी कर लोगे फुल पे आप पीक भी कर लोगे फुल डिस्प्ले भी कर लोगे बट अगर स्टैक एम है तो डिस्प्ले कैसे करोगे मतलब यहां पे इनके ऊपर हमें एक और ऑपरेशन या एक और फंक्शन रन करने की जरूरत है विच इज इज फुल एंड इज एम तो यहां पे इनके साथ एक और फंक्शन आएगा पुश के लिए आएगा इज फुल और पॉप पीक और डिस्प्ले के लिए आएगा इज एम तो इज फुल ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर एक फंक्शन एम है कि नहीं सॉरी फुल uh, है कि नहीं पर्टिकुलर एक स्टैक सॉरी फंक्शन नहीं इज फुल फंक्शन क्या करने वाला है एक स्टैक में ये चेक करने वाला है कि कहीं वो कंप्लीटली uh, फिल्ड तो नहीं है और इज एम क्या करने वाला है इज एम ये चेक करने वाला है कि कहीं कोई स्टैक खाली तो नहीं पड़ी हुई है अब यही चेक करने का काम आपका करते हैं ये दोनों फंक्शन ऑल <coughs> अगर आपको याद हो तो क्योंकि हम इसको लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो आपको अगर ये याद हो हमने इस प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था एग्जाम्पल में कि क्योंकि हम लिस्ट का यूज करते हैं पाइथन में स्टैक बनाने के लिए और लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक्सटेंड हो सकता है मतलब आप उसमें कितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो वो अपने आपका अपना साइज बढ़ाता रहेगा ठीक है अब क्योंकि वो अपना साइज बढ़ाता रहेगा बढ़ा सकता है जितने भी साइज आपको चाहिए वो डायरे में अपना साइज बढ़ा सकता है ठीक है वो एक फिक्स साइज पे नहीं रहता है तो इसलिए हमें कभी भी हमारा जो स्टैक है वो फुल नहीं होगा तो हमें एज कंडीशन चेक करने की कभी जरूरत है ही नहीं वो मतलब जो हमारा स्टैक है वो तभी जाके फुल होगा जब आपकी मेमोरी ही एग्जॉस्ट हो जाएगी पूरी मेमोरी ही खत्म हो जाएगी जब तक मेमोरी है तब तक ये फुल सिचुएशन आ नहीं सकती मतलब हमें इस फुल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप हमेशा ही अपेंड कर पाओगे कभी फुल होगी ही नहीं तो हमें यहां एक खासियत या फिर एक इंपॉर्टेंस के साथ कि हमें ये फुल चेक करने की जरूरत नहीं है रीजन एज वी आर इंप्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग लिस्ट देवर बी फुल अंटिल नो मेमोरी इज लिफ्ट तो क्योंकि हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं पाइथन में स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए तो कभी भी हमारी जो लिस्ट है वो खत्म होगी ही नहीं वो फुल कभी होगी ही नहीं ठीक है तो क्योंकि हमारी लिस्ट कभी भी फुल नहीं होगी कभी भी खत्म नहीं होगी तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं हम तब तक हम तब तक पुश करते रह सकते हैं जब तक हमारे पास मेमोरी की कमी ना हो जाए ठीक है जब तक ये सिचुएशन ना आ जाए कि नो मेमोरी इज लेफ्ट तब तक हम क्या कर सकते हैं पुशिंग कर सकते हैं ठीक है एलिमेंट पुश करते रह सकते हैं ठीक है ठीके? अब इन फॉमशंस को देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन करेंगे पुश पॉप पीक डिस्प्ले और एज एम को ठीक है चलिए तो अच्छा ये डिफाइन करने से पहले कि कैसे इन फंक्शंस को बनाना है आपको ये समझ माना चाहिए कि कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करने से पहले स्टैक बनाने की जरूरत है तो स्टैक हम लिस्ट की मदद से बनाने वाले तो हमें क्या बनाना है एक एम लिस्ट बनानी है ठीक है तो हमें क्या करना है एक एम लिस्ट बनानी है जो आप लिस्ट की की मदद से बना सकते हो आप चाहो तो लिस्ट की यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट और अगर आपकी इच्छा है इस तरीके से लिस्ट की यूज़ कर लीजिए और अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं बोथ हर ब्रैकेट ठीक है बस इसको नाम क्या दे दीजिएगा इसको नाम दे दीजिएगा स्टाक ठीक है क्या नाम दे दीजिएगा स्टाक और इवन अगर आप चाहो तो जो भी चाहो स्टाक का नाम देना वो दे दो अब बेसिकली आपने एक लिस्ट एम लिस्ट क्रिएट कर दी जिसको आपने एक रेफरेंस दे दिया स्टैक अब अभी तक ये आपने नाम तो दे दिया स्टैक बट ये स्टैक बना नहीं है ये लिस्ट इनिशियली लिस्ट ही है स्टैक नहीं बना है कब बनेगा स्टैक जब इस पर आप कुछ ऑपरेशन या कुछ बाउंडेशन डालोगे ठीक है तो वो जो फंक्शन अभी हमने देखे ना जब वो फंक्शन हम इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे तब ये बन जाएगा स्टैक ठीक है सो वी नीड टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट विच कुड बी नेम्ड एज स्टॉक तो हम एक एम लिस्ट बना सकते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं स्टॉक साइमल्टेनियसली हमें एक और वेरिएबल को बनाना है विच टॉप अब देखो यूजली जो बाकी फंक्शन मतलब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है विच इज साइज और उस हिसाब से ही आप फिर यहाँ पे बनाते हो जो भी आप जिस भी चीज़ को लेके बना रहे हो बट यहाँ साइज क्योंकि है ही नहीं लिस्ट इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है कितना भी साइज ले सकती है तो इसीलिए मुझे यहाँ साइज मैंशन करने की जरूरत नहीं सिर्फ टॉप करने की जरूरत है और टॉप में इनिशियली क्या मैंशन कर दूंगा इनिशियली मैं मैंशन कर दूंगा नन ठीक है क्योंकि कि किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा है वो इनिशियली नन को पॉइंट कर रहा है किसी पोजिशन को पॉइंट नहीं कर रहा है ठीक है अब मैंने टॉप कर दिया नन अब

अगर मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें आपको एक कंडीशन यहाँ पे चेक करनी पड़ती है इज फुल वाली जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा बट क्योंकि ये हम लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं अब जो हमने पास कराया है जो जो स्टैक पास है बनाया वही हम इसको पास करेंगे और जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है यूजर से एलिमेंट लेके वो एलिमेंट हम इसमें एंटर कर देंगे ठीक है एक बार हमें स्टैक मिल गया और एलिमेंट मिल गया तो मैं बाई डिफॉल्ट जो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन एग्जिस्ट करता है इज इज अपेंड मैं उसका यूज कर लूंगा तो बेसिकली मैं क्या करूंगा जो भी मेरे पास स्टैक

कि साइमल्टेनियसली आपको टॉप भी अपडेट करते चलना है क्या करते चलना है टॉप भी अपडेट करना चलना है। अब यहां पे एक पॉइंट समझेगा कि वैसे जब मैं टॉप की बात करता हूं तो वो एक एक पॉइंट से आगे बढ़ता है मतलब इनिशियली टॉप यहां पर है अच्छा किसी और अभी फिलहाल हमने जैसे टॉप का क्या कहा जब मैंने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था तो मैंने टॉप को पॉइंट कराया था नन पे उसका रीजन बहुत सिंपल था क्योंकि अगर मैं माइनस वन पे पॉइंट कराता तो माइनस वन जो है लास्ट को इंप्लीमेंट करता है बट अगर मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें टॉप को नन नहीं माइनस वन प्रोवाइड किया जाता है क्यों ताकि आप हर बार एक एक इंक्रीमेंट करते चले जाओ तो इनिशियली टॉप माइनस वन होता है जैसे आपने एक इंसर्ट किया तो आपका जीरो हो जाएगा टॉप जीरो हो जाएगा मतलब प्लस वन हो जाएगा फिर एक और एलिमेंट इंसर्ट किया तो टू हो जाएगा ऐसे एक एक करके ऐड होता चला जाएगा और टॉप आपका अपडेट होता चला जाएगा बट जब मैं पाइथन की बात करता हूँ तो पाइथन में क्योंकि मैंने यहाँ पे नन मैंशन कर रखा है तो मैं इसको प्लस वन नहीं कर सकता क्योंकि नन में क्या मैं प्लस वन करूंगा ठीक है तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको टॉप को स्पेसिफाई करना है पाइथन में तो वो क्या होता है जो लिस्ट की लेंथ है क्योंकि हमेशा लास्ट एलिमेंट को जो तो टॉप पॉइंट करेगा तो जो लिस्ट की लेंथ है उस लेंथ में से एक आपको सब ट्रैक करना है लो मेरा सब गायब हो गया ठीक है इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम लगाएंगे ये ठीक है वापस आ गया

Is no. क्योंकि मुझे कोई भी पॉप आउट तो हो तो जाएगा तो ये सिर्फ स्टाक एक्सपेक्ट करता है नीड टू क्रिएट अ फंक्शन स्टाक तो ये सिर्फ स्टाक एक्सपेक्ट करने वाला है सिर्फ इसको स्टाक चाहिए और इसको कुछ नहीं चाहिए तो मैं बनाऊंगा डेफ पॉप और ये क्या लेने वाला है सिर्फ स्टार्क लेने वाला है ठीक है अब बेसिकली इसके बाद में क्या करने वाला हूं नॉ बिफोर पॉपिंग एन एलिमेंट वी नीड टू मेक श्योर दैट द स्टैक इज नॉट एम्प्टी अब ज फुल की कंडीशन नहीं थी के समय फुल की कंडीशन नहीं थी बट जब मैं आ, इसकी बात करता हूं पॉपिंग की बात करता हूं तो मुझे ये चेक करने की जरूरत है कहीं मेरी लिस्ट जो है एम तो नहीं है अगर मेरी लिस्ट खाली पड़ी है तो इसमें क्या रिमूव करूंगा मतलब जैसे सपोज मेरी इस तरीके से एक लिस्ट है और लिस्ट मेरी खाली पड़ी है तो इसमें रिमूव क्या करूंगा तो इसके लिए मैं एक ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है मैंने इज एम जिससे मैं चेक करूंगा कि एम है कि नहीं तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन डाल दूंगा एफ इज एम है ना अगर एम है इज इफ एफ सॉरी इफ इज एम टी एज एम नाम का एक फंक्शन है सपोज ठीक है, एम टी नाम का फंक्शन है तो अगर इसका आंसर वन आएगा मतलब अगर ये ट्रू होगा तभी ये रन होगा और अगर फॉल्स होगा तो नहीं होगा तो अगर ये ट्रू है मतलब इज एम का आंसर अगर ट्रू है तो आपको क्या होगा ये रन होगा और ये रन होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे रिटर्न कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या रिटर्न कर देंगे हम अंडर फ्लो सिचुएशन क्या कर देंगे अंडर फ्लो सिचुएशन रिटर्न कर देंगे तो वही लिखा हुआ है इफ इट इज अंडर ये आपका जो स्टैक है वो empty है, तो आपकी क्या रिटर्न हो जाएगी अंडर फ्लो वाली सिचुएशन रिटर्न हो जाएगी ठीक है नीड टू अंडरस्टैंड और अगर ये एम नहीं है अगर ये एम नहीं है अगर ये एम नहीं है तो क्या करोगे तब अगेन दो कंडीशन बनती है

टू बन गई टू में से वन सब करोगे तो जो टॉप है वो आपका वन को को पॉइंट पॉइंट करेगा करेगा। मतलब लेंथ वन को But अगर आपने इस ए को रिमूव कर दिया इस ए को रिमूव कर दिया तो इसकी लेंथ क्या है इसकी लेंथ है जीरो जीरो में से वन सब किया तो क्या बन गया माइनस बन गया जो मुझे करना नहीं है तो जब आपकी लिस्ट जब आपकी लिस्ट में एक एलिमेंट है तो तब आप टॉप को नन पॉइंट करोगे क्योंकि अगर एक एलिमेंट है और इसको अगर आपने रिमूव कर दिया पॉप कर दिया तो इसका जो भी फिलहाल पॉइंटिंग है वो क्या हो जाएगा इसकी पॉइंटिंग हो जाएगी नन पे टॉप मुझे नन चाहिए बस वही कह रहा हूं मैं ठीक है सो इफ द स्टैक हैज वन एलिमेंट देन आफ्टर पॉपिंग इट वी नीड टू मेक टॉप एज नन तो अगर एक एलिमेंट है तो पॉप के बाद नन बनाने की जरूरत है अदरवाइज इफ द पॉप हैज मोर देन वन एलिमेंट देन आफ्टर पॉपिंग इट टॉप इज सेट टू लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन जो पहले किया हमने और इसको करने के बाद सब करने के बाद जो मैं पॉप कर रहा हूं एलिमेंट जो एलिमेंट पॉप कर रहा हूं उसमें मुझे क्या देखना है कि अगर मैंने जो भी एलिमेंट पॉप किया वो मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करा दिया उसको रिटर्न कर देना फाइनली तो फाइनली मुझे क्या करना है जो पॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न करना ठीक है सो दैट इज वॉट आई नीड टू डू फॉर पॉप नेक्स्ट इसके बाद आता है पीक अब पीक बेसिकली क्या करता है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको देखने का काम करता है ठीक है सो नीड टू क्रिएट अ फंक्शन एज पीक विल एक्सेप्ट ओनली द स्टैक जो सिर्फ स्टैक एक्सपेक्ट करेगा क्यों क्योंकि तो इसमें और कुछ चाहिए ही नहीं सिर्फ पीक चाहिए सही सिर्फ क्या चाहिए फिर सिर्फ आपको आ, क्या चाहिए सिर्फ आपको यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट सही सिर्फ स्टैक चाहिए आपको तो मैं क्या करूंगा डेफ की मदद से क्या बनाऊंगा यहां पे पीक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ठीक है और ये क्या एक्सपेक्ट करता है ये सिर्फ स्टैक एक्सपेक्ट करता है कि क्या करता है सिर्फ स्टैक लेने वाला है. तो ये बेसिकली क्या लेने वाला है सिर्फ स्टैक लेने वाला है और इस स्टैक में हम क्या करने वाले हैं जो टॉप एलिमेंट है उसको इंसर्ट करने वाले हैं सॉरी मतलब रिटर्न करने वाले हैं स्पीक विच विप्ट ओनली स्टैक इट विल रिटर्न दॉप एलमेंट तो टॉप पोजिशन पर जो एलमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा सो इनिशियली टू चेक इत दी और नॉट इफ इट इम टी देन अंडर फ्लो इज रिटर्न पहली वाली सिचुएशन आप चेक करोगे फ्लो सिचुएशन तो नहीं है मतलब एम टी तो नहीं है अगर एम टी है तो अंडर फ्लो इज रिटर्न अदरवाइज यूजिंग लिस्ट इंडेसिंग द टॉप एलिमेंट इस रिटर्न अगर 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 ये एम टी नहीं है अगर ये एम टी नहीं अगर एम टी है सिंपल सी बात अगर एम टी है तो रिटर्न हो जाएगा क्या रिटर्न हो जाएगा कि ये जो है एम टी है, है अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है ना सॉरी टॉप है क्या टॉप है ठीक है, टॉप फेच करो और फिर स्टैक का टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर दो ऑल ये तो चाहिए हमें सिंपल सी बात चाहिए तो मैं लेफ्ट इंडेक्सिंग को यूज करके जो टॉप का एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दूंगा दैट्स ऑल तो है आपका पीक ऑपरेशन या पीक फंक्शन नेक्स्ट इसके बाद आता है डिस्प्ले फंक्शन तो डिस्प्ले बेसिकली जितने भी एलिमेंट स्टैक में सबको रिटर्न करने का काम करता है सबको डिस्प्ले करने का काम करता है सो नीड टू क्रिएट अ फंक्शन एज डिस्प्ले विल एक्सेप्ट ओनली द स्टैक जो अगेन फिर से स्टैक चाहिए इसको ठीक है दिस फंक्शन प्रिंट्स द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने का काम करता काल तो यह एक खासियत है कि जब भी आप एक स्टैक को प्रिंट कर रहे हो वर्टिकली प्रिंट करो एक तो और जैसे सपोज मैंने कहा कि मेरी ये एक लिस्ट है ए बी सी और यहां पे टॉप पॉइंट कर रहा है तो मैं स्पेसिफाई करूं मैं स्पेसिफाई क्या करूं सी बी ए इस तरीके से और यहां पे स्पेसिफाई कर दूं टॉप तो मुझे इस तरीके से फॉर्मेट करना पड़ेगा तो अच्छा लगे तो इस तरीके से मैं फॉर्मेट कर सो इनिशियली वी नीड टू चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट अगेन वही चेक करूंगा मैं स्टैक एम्प्टी है कि नहीं अगर स्टैक एम्प्टी है अच्छा एक बात इससे पहले वाले जो भी फंक्शन है वो सब कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे थे डिस्प्ले फंक्शन सीधे सीधे प्रिंट करेगा तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो सीधे सीधे प्रिंट कर देगा कि स्टैक इज एम्प्टी तो इसके बाद अगर ये स्टैक एमटी नहीं है तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया जाएगा रिप्रेजेंटिंग टॉप एलिमेंट क्या है, है उस वेरिएबल की वजह से तो इस तरीके से आपका क्या होता है डिस्प्ले फंक्शन अब अगर आपने देखा हो तो डिस्प्ले हो

एस अगर अगर लिस्ट लिस्ट है है कि नहीं तो सीधे सीधे क्या रिटर्न कर दो रिटर्न कर दो ट्रू क्या कर दो रिटर्न रिटर्न कर दो ट्रू और अगर नहीं है अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स सिंपल सी बात यही तो कह रहा हूं मैं कि अगर एम टी है लिस्ट तो ट्रू रिटर्न कर दो अगर एम टी नहीं है तो दैट्स ऑल तो बस वही मुझे करना है एंड विल रिटर्न ट्रू इफ दी अदरवाइज फॉल्स और एक बार मुझे पता चल गया कि मेरी स्टैक जो है एम है या नहीं है तो मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ इस पे पर बाकी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ अब बेसिकली मुझे करना ये है कि एक स्टैक बनाना है टॉप बनाना है और उसके साथ इन फंक्शंस को मर्ज करना है है ना एक बार मैंने मर्ज कर दिया तो अब इसके बाद फिर मेरा स्टैक इंप्लीमेंट हो जाएगा ठीक है अब इन फंक्शन को कैसे देखेंगे वो मैं आपको एक थियोरिकल लॉजिक बता चुका हूं अब इसको प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट में ये समझाऊंगा कि, कि किस तरीके से आप इस स्टाक को इंप्लीमेंट कर सकते हो पाइथन में तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कैसे आप इस स्टाक को इंप्लीमेंट करेंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेगा अगर अभी फिलहाल मैं इसमें आगे बढ़ू तो नेक्स्ट है हमारी वेब ठीक है सो नाउ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट द स्टैक विद ऑल द फंक्शन वी हैव लर्न ठीक है अच्छा अब करने बेसिकली हम क्या वाले हैं तो हम पहले तो सारे फंक्शंस डिफाइन करेंगे क्या बना लिया एज एम टी फंक्शन बना लिया इसमें लिख दिया जो भी कोड लिखना है हमने फिर हमने एक फंक्शन बनाया पुश वाला ठीक है फिर हमने फंक्शन बनाया पुश वाला दो आर्ग्यूमेंट लेता है दो आर्ग्यूमेंट बनाए और इसका कोड भी लिख दिया फिर हमने फंक्शन बनाया पॉप वाला ठीक है तो हमने फिर नेक्स्ट क्या बनाया नेक्स्ट हमने बनाया पॉप नेक्स्ट क्या है पॉप ये भी स्टैक लेगा और क्या करेगा कोड लिख देंगे हम इसका फिर हमने फंक्शन बनाया क्या फिर हमने फंक्शन बनाया पीक ठीक है पीक और फिर जो हमने फंक्शन बनाया वो क्या बनाया फिर हमने फंक्शन बनाया आपका डिस्प्ले तो इस तरीके से मैंने सारे फंक्शन क्रिएट कर लिए अब मुझे इसके बाद जो करना है वो मेन है मतलब ये फंक्शंस अब स्टैक से लिंक करने

ठीक है तो मैं सबसे पहले तो प्रिंट करा दूंगा कि प्रेस वन फॉर दिस प्रेस टू फॉर दिस प्रेस थ्री फॉर दिस प्रेस फोर फॉर दिस प्रेस फाइव फॉर दिस मतलब पुश करने के लिए वन दवाइए पॉप करने के लिए टू दवाइए पिक करने के लिए थ्री दवाइए डिस्प्ले करने के लिए फोर दवाइए एग्जिट करने के लिए फाइव दवाइए ठीक है ये मैंने दवा बता दिया ठीक है प्रिंट कर दिया अब इसके बाद एक यूजर से इनपुट भी ले ले कि आपको क्या प्रेस करना है उसको स्टोर करा दिया अब उसको मैं बार बार चेक करूंगा उसको मैं बार बार चेक करूंगा कि अगर जो मैंने जो भी इनपुट लिया है वो अगर वन के बराबर है पुश है तो पुश को कॉल कर लो अगर टू के बराबर है तो पॉप फंक्शन कॉल कर लो थ्री पी के बराबर है तो पीक फंक्शन कॉल कर लो डिस्प्ले के बराबर है डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लो एग्जिट के बराबर है तो ब्रेक कर दो और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो कह दो कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनवैलिड है फिर से रिटरेट कर दो अब जब तक आप एग्जिट मतलब फाइव नहीं दबाओगे तब तक आप लूप से बाहर नहीं निकलोगे चलता रहेगा रूप ठीक है और एक्सपेक्ट करेगा आपसे एक इनपुट ठीक है अब ये चीज हम बनाने वाले हैं आगे ठीक है सो विल प्रोसीड टू द रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इनपुट तो जो भी इनपुट यूजर दे रहा है उसके हिसाब से हम एक पर्टिकुलर फंक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं तो जो भी फंक्शन हमने बनाया है उस फंक्शन में हम बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इनपुट ठीक है अब ये एक्चुअली थेरेटिकल डिस्कशन इसमें ठीक है हो गया हम इससे पहले वाली वीडियो में भी सब देख चुके हैं चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मतलब सारे फंक्शन जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखे हैं उन फंक्शन को कैसे बनाएंगे और उसको इससे कैसे लिंक करेंगे वो सब सीखेंगे हम अभी फिलहाल कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओके गाइस सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्या देखने वाले हैं

और इसका जो नाम होगा वो होगा मेन डॉट पी वाई तो इस तरीके से बंद कर लेंगे और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले अपना स्टाक डेटा स्ट्रक्चर ठीक है तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें करना क्या पड़ेगा भाई स्टैक को क्रिएट करना पड़ेगा अब स्टैक हम किस फॉर्म में क्रिएट करने वाले तो स्टैक हम बनाने वाले लिस्ट के फॉर्म में मतलब लिस्ट रहेगी उसी में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्टैक के तरीके से तो सबसे पहले तो मैं नाम ही देता हूँ एस टी ए सी के स्टैक है ना ऑल दो सजेस्ट ही किया जाता है कि वेरिएबल का नाम वो ना रखा जाए बट फिलहाल फॉर नाउ हम कर लेते हैं है ना और मैं इसको एक एम टी स्ट्रिंग बना लूंगा सॉरी एम टी लिस्ट बना लूंगा तो ये मेरा एक स्टैक क्रिएट हो गया है एम टी क्रिएट हो गया ठीक है अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैक के साथ कुछ टर्म्स जुड़ के आते हैं जैसे कि साइज होता है टॉप होता है ठीक है और सब चीज़ें टर्म जुड़ के आती है और उसके अलावा आप उस, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अलग अलग ठीक है तो बेसिकली जब आप पाइथन से इंप्लीमेंट कर रहे होते हो स्टैक को तो यहाँ पे साइज का कंसेप्ट नहीं आता है वट इज द रीजन फॉर दैट क्योंकि आप स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट और लिस्ट की खासियत आपको पाइथन में क्या पता है कि ये इनडेफिनेटली एलिमेंट्स को एक्स एक्सपेक्ट कर सकते है या फिर एक्सेप्ट कर सकती है आप जितने ज्यादा एलिमेंट्स इसमें अपेंड करोगे ये करते चला जाएगा इसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं जब तक आपकी कंप्यूटर की मेमोरी खत्म नहीं हो जाती जब तक ये अपेंड करता ही रहेगा एलिमेंट्स एक्सेप्ट करता ही रहेगा इसकी कोई लिस्ट की इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसका पुट आ, कुछ ये फिक्स साइज है यहीं तक इसमें एलिमेंट जा सकता हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये एलिमेंट्स लेता चला जाएगा तो यहाँ पे हमें जो टर्म्स की बात करनी है उसमें साइज नहीं आएगा ठीक तो है तो उसमें क्या आएगा फिर टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो टर्म्स में जो मेन इंपॉर्टेंट जुड़ के आता है ठीक है तो सबसे पहले तो आपने स्टैक बना दिया ठीक है तो मैं यहां पे कमेंट करके लिखता भी जाऊंगा कि किस चीज से क्या कर रहे हैं ठीक है क्रिएशन ऑफ स्टैक ठीक है क्रिएशन ऑफ स्टैक अब ये हमने स्टैक क्रिएट किया ठीक है और एज अ लिस्ट ठीक है क्रिएशन ऑफ स्टैक एज लिस्ट ठीक है लिस्ट के तरीके से क्रिएट किया अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे ठीक है टर्म्स जैसे कि क्या करने वाले सबसे पहले जो टर्म्स हम डिफाइन करने वाले हैं वो होने वाला है टॉप ठीक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप इसके बाद साइज भी मैटर करता है बट साइज को हम नहीं देख रहे हैं, तो साइज में डिलीट कर दूंगा साइज में जरूरत नहीं तो हमें क्लौथा यहां पे जो स्टैक के साथ एक एलिमेंट की जरूरत है दैट इज टॉप ठीक है तो अब यहां पे मैं टॉप डिफाइन कर दूंगा और टॉप बेसिकली सबसे पहले इनिशियली क्या रहने वाला है हमेशा नन रहेगा ठीक है तो इनिशियली जब भी आप टॉप बनाओगे वो नन रहेगा ठीक है आई सजेस्ट इसको माइनस वन मत रखिएगा रख सकते हैं माइनस वन भी रख सकते हैं बट तो क्योंकि पाइथन में माइनस वन का सिग्निफिकेंस होता है तो माइनस वन मत लीजिएगा लास्ट से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं ना लिस्ट में लास्ट से एक्सेस करते हैं तो माइनस वन मत लीजिएगा बाकी डेटा स्ट्रक्चर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में माइनस वन लिया जाता है टॉप को इनिशियली यहां पे आप नन ले सकते हैं ठीक है चलो तो फिलहाल टॉप हो गया आपका नन अब बेसिकली इसके बाद हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं कुछ ऑपरेशन ठीक है कुछ फंक्शन अब फंक्शन क्या क्या करने वाले हैं या ऑपरेशन क्या करने वाले हैं ठीक है तो ऑपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन आपके दो हैं पुश एंड पॉप तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है पुश या पॉप अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते समय आपको ये चेक करने की जरूरत है कि जिसमें आप पुश कर रहे हो वो लिस्ट फुल तो नहीं होगी वो स्टाक फुल तो नहीं हो गया सॉरी लिस्ट गलत बोला मैंने स्टाक बोला है ना स्टाक मतलब था मेरा कि आप एक स्टाक में एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हो कहीं ये स्टाक फुल तो नहीं है तो फुल चेक करने के लिए आपको यहां पर एक और फंक्शन फिर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है इज इज फुल बट जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको इज फुल की जरूरत पड़ेगी नहीं वट इज द रीजन फॉर दैट द रीजन इज वेरी सिंपल कि क्योंकि आपका जो स्टाक है आप लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हो और उसकी कुछ डेफिनेट लेंथ है ही नहीं कोई साइज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्योंकि इसका कोई साइज एग्जिस्ट नहीं करता कुछ अपर बाउंड नहीं है तो इसी वजह से आपको इज फुल यहां पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है ठीक है बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिमिट होती है जब आप कोई भी एरे डिफाइन करते हो ठीक है डायनेमिकली करो या फिर आप स्टाटिकली uh, करो किसी भी तरीके से करो जब आप एरे uh, या किसी भी चीज़ को आप डिफाइन uh, करते हो तो उसकी फिक्सड लेंथ होती है तो वहाँ साइज मैटर करता है यहां कोई साइज नहीं है तो यहां पे एज फुल इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है आप इनडेफिनेटली इसमें अपेंड कर सकते हो बिना कुछ चेक करें ठीक है तो एज फुल की यहाँ पे जरूरत नहीं है ठीक है अब फुल की जरूरत नहीं है बट पॉप करते समय आपको यह चेक करने की जरूरत है कि कहीं आपका जो स्टैक है जिसमें से तो, नहीं है। तो यहां पे आपको एक जरूर लगाना पड़ेगा एज एम टी जरूर आपको लगाना पड़ेगा इस बात का ध्यान रखिएगा भले ही आपको इज फुल नहीं लगाना पड़ रहा बट इज एम जरूर लगाना पड़ेगा तो पुश सॉरी पॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इज एम लगाना पड़ेगा फंक्शन अब इसके बाद इस एम्टी के बाद इज के जो नेक्स्ट आता है या फिर पुष्ट पॉप कंप्लीट हो गया इज एम तो पॉप इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरत पड़ी इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है आ, पीक ऑपरेशन ठीक है अब पीक ऑपरेशन बेसिकली किस लिए काम आता है तो पीक ऑपरेशन ये चेक करने के लिए काम आता है कि पर्टिकुलर जो भी आपने स्टैक बनाया है उसका टॉप एलिमेंट क्या है मतलब अगर आपको ये टॉप जानना है कि टॉप एलिमेंट क्या है तो ये टॉप एलिमेंट को जानने के लिए आप ये पीक का यूज करते हो तो टॉप एलिमेंट अगर आपको जानना है तो यूज

या डिस्प्ले ऑपरेशन तो सपोज आपको जितना भी स्टैक है उसमें जो भी एलिमेंट्स उन सबको डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले का काम आप यहां तो से आप क्या कर सकते हो आप पुश पॉप पीक और डिस्प्ले फंक्शन या को परफॉर्म कर सकते हो जिसमें एक एडिशनल फंक्शन और लगेगा इज इज टू चेक वेदर की कोई भी जो भी स्टैक है वो खाली तो नहीं पड़ा है पॉप कर रहे हो खाली, खाली पड़ा है पीक कर रहे हो खाली पड़ा है डिस्प्ले कर रहे हो खाली पड़ा है तो वो इज एम चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एज एम टी फंक्शन मतलब एम है कि नहीं स्टैक स्टाक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो अब ये सब चीजें बेसिकली इंप्लीमेंट करनी है अब ये फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे तो स्टैक तो हमने क्रिएट कर लिया टॉप हमने हम हम ठीक है तो सबसे पहले जो आपका शुरुआत होगी वो होगी इज एम टी फंक्शन से और फंक्शन आपको वही पाइथन फंक्शन के फॉर्म में बनाना है मतलब डेफ यूज करना है डेफ यहां पे डालना है इज ई एम पी टी वाई है ना एस एम टी मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया और ये एक्सेप्ट क्या करने वाला है ये एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा विच इज स्टैक ठीक है तो एस स्केल डाल देता हूं स्टैक के लिए है ना तो ये स्टैक एक्सेप्ट करने वाला है जो भी आप एलिमेंट इसमें पास करोगे ये मतलब ये ना तो एक्सेप्ट करने वाला है तो लिस्ट आप जैसे इस पास करोगे तो 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 अब, अब ये चेक करेगा कि आपका जो पर्टिकुलर लिस्ट है वो एम है कि नहीं मतलब वो जो पर्टिकुलर स्टैक है वो एम है कि नहीं उसके लिए बस आपको एक कंडीशन डालनी है क्या आपको बस ये चेक करना है इफ़ ना मतलब एक कंडीशन डालनी है इफ इफ जो आपका स्टैक है ठीक है जो भी आपका स्टैक है तो एस uh, के जो आपका स्टैक है वो एम है कि नहीं बस आपको ये चेक करना है ठीक है वो एम है कि नहीं बस ये चेक करना है तो अगर आपका जो स्टैक है वो एम है तो आपका काम बन जाएगा या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि एस की जो लेंथ है एस की जो लेंथ है वो जीरो है कि नहीं अगर वो जीरो है तो भी एम टी है ठीक तो तो हम, हम, हम कहेंगे इससे भाई रिटर्न कर दो कि हाँ यर, का आंसर क्या मतलब पूछा जा रहा है इज स्टैक एम टी आंसर इज ट्रू हाँ टी है और अगर एम टी नहीं है तो रिटर्न क्या कर दो एल्स तो में क्या रिटर्न कर दो एल्स में रिटर्न कर दो फॉल्स तो रिटर्न कर दो False. अब देखना हम कर क्या रहे हैं हम बार बार एक फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे कुछ रिटर्न मांगेंगे क्योंकि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वी वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दैट तो या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा इसे ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपकी स्टैक एम होगी फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब आपकी स्टैक एम नहीं होगी क्लियर अब जैसे आपने यहां पे इज एम टी फंक्शन इंप्लीमेंट किया वैसे ही हम एक और फंक्शन इंप्लीमेंट यहां पे करने वाले हैं तो हमने इज एम टी देख लिया अब नेक्स्ट करेंगे हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म ठीक है तो अब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फिर से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा तो हम बनाने वाले हैं इसमें पुश ऑपरेशन के लिए फंक्शन सो so मैं डेफिनेशन से एक फंक्शन बनाऊंगा वही और वही फंक्शन का नाम डालेंगे पुश ठीक है और पुश में अब ये बेसिकली एक्सेप्ट क्या करने वाला तो बेसिकली ये सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा कोई भी स्टैक जिस स्टैक में आपको पुश करना है एलिमेंट को तो जो भी स्टैक में आपको एलिमेंट को पुश करना है के ये वो स्टैक को एक्सेप्ट करेगा और फिर ये क्या एक्सेप्ट करेगा ये वो एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा जिसको आपको इसमें पुश करना है तो ये क्या करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा जिस एलिमेंट को आपको इसके अंदर पुश करना है ठीक है तो जो भी एलिमेंट आपको पुश करना है वो ही एक्सेप्ट करेगा अब हम सबसे पहले करने के हवाले से कायदे से हमें करना क्या चाहिए था कायदे से हमें चेक करना चाहिए था कि भले मतलब आपकी जो स्टैक है तो जो सपोज स्टैक है वो ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है मतलब फुल तो नहीं है तो हम सबसे पहले हमें इज फुल वाली कंडीशन लगानी चाहिए थी ठीक है मतलब इज फुल इज फुल में हमें चेक करना चाहिए था इज फुल कि क्या आपकी स्टैक फुल तो नहीं है और अगर फुल है तो हम ये कहेंगे मतलब अगर इसका आंसर हमारे पास टू आता अगर

तो मैं सीधे सीधे यहां पे अपेंड कर सकता हूं तो मैं यहां सीधे, -सीधे अपेंड, करूंगा, sk .append, और अपेंड किसे मुझे करना है भाई तो जो भी एलिमेंट आपने पास किया है तो मैं यहां पे डाल दूंगा एल एम तो जो भी एलिमेंट आपने पास किया वो एलिमेंट क्या हो जाएगा sk में अपेंड हो जाएगा बट सिर्फ इतना ईजी नहीं है काम क्यों नहीं है सिर्फ इतना ईजी काम क्योंकि जैसे ही आपने एलिमेंट को अपेंड किया आपका टॉप चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका टॉप चेंज हो जाएगा तो अब आपका जो टॉप है वो टॉप क्या बन जाएगा देखो टॉप तो तो को अब देखो क्या है है सी बात ये है, अब से आपको इस टॉप को एक इंक्रीमेंट कर देना चाहिए जब भी आपने बढ़ाया आपने हमेशा ये करना चाहिए बट यहां इंप्लीमेंटेशन हम डालेंगे रीजन बींग

जो टॉप है वो इसको पॉइंट करने लगेगा ठीक है अब ये क्या है बेसिकली ये बेसिकली आपका जो लेंथ है जो लेंथ है विच इज वन उस लेंथ का एक कम है जीरो थिंडिक्स है ठीक है तो बेसिकली यहां पे जो आप ओके यहां से हटाया तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा है ना तो बेसिकली जो यहां पे आपका टॉप है वो क्या होने वाला है वो होने वाला है आपका लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्टैक एस के माइनस व्हाट माइनस वन तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो उस स्टैक का जिस भी स्टैक में आप अपेंड करने वाले एलिमेंट का उसकी लेंथ में से एक सब कर दे रहे हो और हमेशा वही आपका आखिरी एलिमेंट टॉप रहने वाला है ठीक है और जैसे आपने ये कहा आपका स्टैक का जो पुश ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो चुका है मतलब आपका एलिमेंट पुश हो चुका है अब यहां पे हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये फंक्शन कुछ भी लेके नहीं आने वाला है सिर्फ देके जाने वाला है सिर्फ एलिमेंट को स्टैक के अंदर दे के जाने वाला है स्टैक से कुछ लेके आने नहीं वाला है तो हमें यहाँ पे रिटर्न वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है एंड दैट सॉल्व फॉर योर पुश ऑपरेशन अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट स्टैक पुश के बाद आता है पुश के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉप तो अब हमें जो नेक्स्ट इंप्लीमेंट करना है वो करना है पॉप ऑपरेशन दैट इज अगेन वेरी इजी तो डेफ बनाएंगे फंक्शन बनाएंगे नाम देंगे पॉप और ये पॉप एक्चुअली में करने के वाला है तो हमें इसको पास करना पड़ेगा स्टैक अब मुझे जरा सोच के बताइएगा क्या यहाँ पे हमें ये एलिमेंट भी पास करने की जरूरत है कि किस एलिमेंट को पॉप करना है सोच के बताइएगा नहीं है जो आखिरी एलिमेंट है वो, वो रिमूव करना है तो यहां पे ये तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं ना किस पोजिशन से रिमूव करना है? क्योंकि हमेशा वो आखिरी होने वाला है तो ये सिर्फ स्टैक को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ उसको पैरामीटर के फॉर्म में सिर्फ स्टैक चाहिए बट अब जैसे यहां पर हमें पुश करते समय यह चेक नहीं करना पड़ा कि आपका स्टॉक ओवरफ्लो है कि नहीं ठीक है वो हमें नहीं चेक करना पड़ा मतलब फुल की चेक नहीं करनी पड़ी, आपको बिल्कुल चेक करना पड़ेगा मतलब आपको यह जरूर डालना पड़ेगा आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी कि कहीं आपकी स्टैक एम तो नहीं है तो हम यहां पे डालेंगे फंक्शन जो हमने पहले बना रखा है तो हम इसमें फंक्शन कॉल करेंगे इज एम और उसको पास कर देंगे अपना स्टैक विच इज एस तो हमने इसको अपना पास कर दिया स्टैक जो हमने यहां पास किया था स्टैक है ना वही स्टैक हमने इस फंक्शन वाले स्टैक को भी पास कर दिया तो एसके पे वही पहुंच गया ठीक है अब ये जो स्टैक हमने यहां पे इसको पास किया है हम ये स्टैक में चेक करने वाले हैं कि ये एम है कि नहीं अब अगर इसका आंसर ट्रू आने वाला है इज ट्रू आने वाला है कि हाँ यार स्टैक अगर एम है तो हमें चाहिए कि यार मुझे रिटर्न कर दो क्योंकि फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा परिंट वगैरह हम बाद में करेंगे तो रिटर्न कर दो मुझे क्या रिटर्न कर दो मुझे भाई कि ये फिलहाल जो स्टैक है ये अंडर सिचुएशन

तो मैं वाला हूं कि एलिमेंट जो मैं पॉप कर रहा है मैंने एलिमेंट वो एलिमेंट क्या है सो so, एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा तो सिंपल देखो पाइथन में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है बाकी एलिमेंट्स में दिक्कत है बाकी सॉरी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफिकल्ट uh, है इसमें बहुत आसान है क्योंकि सीधे सीधे लिस्ट में एक पॉप फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना तो मुझे बस करने की क्या जरूरत है मुझे करने की जरूरत है एसके डॉट पॉप

पॉप फंक्शन यूज करके पॉप एलिमेंट में हमने एलिमेंट को स्टोर कर दिया ठीक है अब बेसिकली हमें यह चेक करना है कि अगर अगर आपकी जो लेंथ है जो आपकी लेंथ है मतलब अब बेसिकली हमें लेंथ भी तो काम करनी है तो अब लेंथ में यहां एक कंडीशन है मतलब देखो सिंपल सी बात एक स्टैक है उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट है अगर आपने इसको पॉप आउट कर दिया तो अब जो आपका टॉप है जो यहां पॉइंट करा था वो नीचे पॉइंट करेगा ना तो वो पॉइंटिंग आपको कम करनी है मतलब टॉप चेंज करना है ठीक है तो अब आपको ये चेक करना है कि अगर आपका जो लेंथ है जो लेंथ है स्टैक की मतलब आफ्टर पॉपिंग पॉप करने के बाद अगर आपके स्टैक की लेंथ अगर आपके स्टैक की लेंथ जीरो हो चुकी है ठीक है मतलब अगर आपके स्टैक की लेंथ जीरो हो चुकी है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है बेसिकली ये ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी जो स्टैक है वो एम हो चुकी है तो आप वापस से एज एम फंक्शन भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो इफ यू वर्ट बट एज एम दोबारा कॉल करने के बजाय मैंने लेंथ चेक कर ली कि अगर स्टैक की लेंथ जीरो के बराबर है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा कि जो मेरा टॉप है भाई जो मेरा टॉप है वो क्या बन चुका है वो बन चुका है नन ठीक है बिकॉज आपका जो स्टैक है वो तो एम हो चुका है अगर आपका स्टैक एम हो चुका है तो आपका जो टॉप है वो नन को पॉइंट करेगा बट अगर आपका स्टैक एमटी नहीं हुआ है, मतलब देखो सिंपल सी बात है हम ये कह रहे हैं कि पहले तो यार आपकी जो स्टैक है वो खाली ही था खाली स्टैक में अगर आप पॉप करने की कोशिश करोगे तो अंडरफ्लो सिचुएशन बट अगर सपोज आपका स्टैक खाली नहीं है बट एक एलिमेंट है उसके अंदर तो एक एलिमेंट को अगर पॉप करोगे तो जो आपका स्टैक होगा वो क्या हो जाएगा वो एम हो जाएगा ठीक है तो ये वो वाली सिचुएशन हो गई जब एक एलिमेंट है उसको आपने पॉप कर दिया तो आपकी स्टैक खाली हो गई तो टॉप जो है नन बन गया बट अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है दो तीन एलिमेंट है तो बेसिकली क्या होगा एक एलिमेंट पॉप होगा और जो टॉप है वो एक कम वाली सिचुएशन में आ जाएगा तो यहां पे फिर हम नेक्स्ट डाल देंगे एल्स करके और एल्स में कंडीशन ये हो जाएगी कि जो आपकी टॉप है वो वही आपका जो लेंथ माइनस वन है क्योंकि लेंथ भी तो कम हो गया जब पॉप आपने कर दिया तो लेंथ कम हो गया ये आपको पाइथन का एडवांटेज है कि आप सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो सॉरी टॉप आपका कैपिटल रहेगा ना टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टैक एस के हो जाएगा तो स्टैक की लेंथ में से एक सब कर दिया और वही आपका टॉप बन चुका है बेसिकली ठीक है और इसी के साथ आपका क्या होता है इसी के साथ अच्छा इवन हमने एक काम नहीं किया हमने ये जो पॉप एलिमेंट है ये जो पॉप एलिमेंट है ये तो रिटर्न किया ही नहीं हमने टॉप तो हैंडल कर लिया बट हमने पॉप एलिमेंट तो रिटर्न नहीं किया तो अच्छा क्या हम वो जो एलिमेंट रिटर्न करने का काम है वो यहां पे कर सकते हैं क्या यहां रिटर्न कर दें तो भाई गलती मत कर देना ये मत करना पॉप करते सीधे सीधे रिटर्न कर दिया क्यों क्योंकि आपने जैसे ही रिटर्न कर दिया से फंक्शन वापस आ जाएगा आगे का कोड चलेगा ही नहीं बट हमें तो आगे का कोड चलाना है ना तो पहले हम टॉप को सेट करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे भाई तो रिटर्न हम वापस अपने स्पेसशिप के अप जाएंगे जब सारा काम हो जाएगा तो अब हम करेंगे रिटर्न और किसे करेंगे तो बेसिकली हम करने वाले पॉपड एलिमेंट को रिटर्न तो पॉप्ड एलिमेंट मेरा इस फंक्शन से क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा समझ में आया तो अगर को आपको रिटर्न करना है तो एज एम टी पुष पॉप हो गया अब चलते हैं पीक पे मतलब हमें टॉप एलिमेंट अगर देखना है कि टॉप एलिमेंट क्या है तो वो कैसे देख सकते हैं वो देखते हैं चलिए ठीक है तो बेसिकली यहां मैं बनाऊंगा एक डेफिनेशन मतलब अगेन एक फंक्शन और इसका नाम देंगे पीक और ये पीक के एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो सिंपल से सिर्फ स्टैक एक्सपेक्ट कर रहा है सिर्फ स्टैक चाहिए इसको ठीक है और हम ये चेक करने वाले हैं सबसे पहले तो कि क्या आपके स्टैक एम है अगर एम है तो पीक किसे करोगे भाई लास्ट एलिमेंट तो कुछ बचा ही नहीं ना कुछ है ही नहीं तो हम करेंगे हम चेक करेंगे इफ इस एमटी की सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया इसमें पर पड़ेगी हमें तो इस एमटी जिसको हम अगेन कैसे चेक करेंगे स्टैक पास करके तो हमने इसको एक स्टैक पास कर दिया और हमने चेक किया कि क्या आपकी स्टैक एम्प्टी है अगर है तो रिटर्न क्या कर देना है भाई हमें सिंपल सी बात हमें अंडरफ्लो सिचुएशन चाहिए तो अंडरफ्लो देखो यही वाली डाल दूंगा ठीक है यही वाली अंडरफ्लो सिचुएशन आ जाएगी कहीं कुछ चेंज ना हो जाए क्योंकि अगेन मुझे इसको आगे, आगे यूज करना पड़ेगा तो मैंने क्या किया इज एम चेक कर लिया कि क्या एम टी है स्टाक अगर हां तो अंडरफ्लो रिटर्न कर दो और अगर एम नहीं है स्टैक अगर आपकी जो स्टैक है वो एम नहीं है तो आपको क्या करना है तो आपका जो टॉप है जो टॉप है वो क्या होने वाला है जो आपका टॉप है वो लेंथ माइनस वन होने वाला है क्या होने वाला है वो लेंथ ऑफ है ना वो लेंथ ऑफ एस के माइनस वन होने वाला है ठीक है अब क्योंकि ये इतना आसान है तो आप सीधे सीधे इसको रन कर सकते हो मतलब आप सीधे सीधे कभी भी आपको अगर सपोज लास्ट एलिमेंट चेक करना है तो लेंथ माइनस वन करो बट क्योंकि एक बस ये इज़ एम्प्टी की सिचुएशन है तो इसीलिए हमने एक नया फंक्शन ही बना दिया पी, पीक के नाम से बट जितना आसान आपको यहाँ पे दिख रहा है ना पाइथन में ये कि सीधे सीधे टॉप को लेंथ में से मतलब जो लेंथ है स्टैक की उसमें से सब कर दो जितना आसान यहाँ दिख रहा है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उतना तो आसान नहीं है क्योंकि वहां तो साइज है ना वहाँ साइज है तो अब लेंथ में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आपको जब भी एलिमेंट को पॉप कर रहा है तो वो टॉप है वो मैंटेन करके करना पड़ेगा ऑल दो तो यहाँ वैसे कायदे से अगर मैं सिग्निफिकेंस बताऊँ तो टॉप की बची भी नहीं टॉप हमेशा मैं कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ सपोज जो भी आपका स्टैक है उसका माइनस वन है

तो ये आपका हो गया पीक ऑपरेशन तो पीक भी हो गया अब पीक के बाद जो नेक्स्ट लास्ट बचा दैट इज डिस्प्ले फंक्शन तो अब हम करेंगे डिस्प्ले तो हम डालेंगे डेफ है ना डेफ और हम यहाँ पे डालेंगे डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन और ये एक्सपेक्ट क्या करने वाला है सिंपल सी सिर्फ स्टैक एक्सपेक्ट करने वाला है स्टैक डालना है इसको बस स्टैक देना है हमें है ना अगेन सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं तो सबसे पहले करेंगे एफ़ एज एम टी है ना एज एम टी है कि नहीं इसको भी क्या चाहिए स्टाक चाहिए स्टाक पास कर दिया और अगर ये स्टाक एम टी है तो सीधे सीधे प्रिंट कर दो भाई क्या प्रिंट कर दो क्या प्रिंट कर दो कि भाई आपकी स्टाक इज एम टी सिंपल सी बात स्टाक एम टी है और अगर आपकी स्टाक एम टी नहीं है अगर आपकी स्टाक एम टी नहीं है तो क्या होगा आपका जो टॉप है टॉप है वो टॉप क्या बन जाएगा तो बेसिकली जो भी आपका टॉप है वो बन जाएगा लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ व्हाट स्टैक तो जो भी आपकी स्टैक है उसमें से एक सब हो जाएगा ठीक है और बेसिकली आपको क्या करना है आपको वही टॉप एलिमेंट को फेच करते चले जाना है वो प्रिंट करते चले जाना है ठीक है तो अब मैं प्रिंट क्या कर दूंगा प्रिंट बेसिकली कर दूंगा मतलब प्रिंटिंग का काम करूं हर एलिमेंट का है ना तो जो मैं प्रिंट कर दूंगा वो प्रिंट क्या कर दूंगा मैं मैं स्टैक का स्टैक का टॉप एलिमेंट को फेच कर दूंगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा इसमें टॉप एलिमेंट को फेच कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा टॉप एलिमेंट आ जाएगा इसके अलावा मुझे यहां पे एक चीज भी रिटर्न चाहिए कि ये आपका टॉप एलिमेंट है ये क्या है आपका टॉप एलिमेंट है तो मैं बेसिकली यहां पे क्या करने वाला हूं यहां बनाने वाला हूँ इस तरीके से और यहां मैं लिखने वाला हूँ टॉप की बेसिकली ये क्या है आपका ये टॉप है आपका ये टॉप एलिमेंट है और इसके बाद हम क्या करेंगे हम इटरेट कर देंगे भाई लूप में ठीक है सो फॉर एल एलम नहीं लिखते हैं ई e लिखते हैं फॉर ई इन या फॉर आई लिख लेता ना फॉर आई एन फॉर आई एन रेंज अब रेंज कहां से कहां तक जाने वाली है ठीक है सो टॉप माइनस वन ठीक है टॉप में से एक सब्ट्रैक्ट करना है हमें है ना टॉप में से एक सब्ट्रैक्ट करना है और कहां तक जाना है लास्ट एलिमेंट तक जाना है ठीक है कहां तक मतलब मतलब माइनस वन तक जाना है ठीक है और क्योंकि हम रिवर्स प्रिंट कर रहे हैं तो हमने स्टेप, स्टेप भी क्या डाल दिया माइनस वन डाल दिया समझ में आया तो अब ये हमें करना है और इसमें प्रिंट क्या करते चले जाना है प्रिंट हमें करते चले जाना है स्टैक का स्टैक का आइथ एलिमेंट दैट्स ऑल दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू समझ में आया तो बेसिकली ये काम आपको यहाँ पे करना है और जैसे आपने ये कहा तो आपका क्या हो जाएगा जो एलिमेंट uh, को जो आप प्रिंट करना चाह रहे हो वो एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा क्लियर तो ये क्या हो गया भाई तो ये बेसिकली हमने क्या किए सारे फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर लिए मतलब एज एम हो गया पुश हो गया पॉप हो गया पीक हो गया डिस्प्ले हो गया तो हमने एज एम पुश पॉप पीक और डिस्प्ले फंक्शन कंप्लीटली प्रोग्राम कर लिए

और इसमें क्या करने वाले हैं हम ओके okay, कुछ गड़बड़ गड़बड़ोगी जब ओके ट्रू तो हमने एक इसमें लूप बना दिया और ये आपको एग्जिट करना पड़ेगा मतलब ये आपको हमेशा क्या करेगा बार 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 ऑप्शन देता रहेगा कि आप कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो पोष पॉप पीक डिस्प्ले कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और जब आप चाहो तब आप एग्जिट ले सकते हो ठीक है तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो तो उसको एक काम करते हैं सबसे पहले तो प्रिंट कर देते हैं अपन है ना मतलब ये चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं कर देते हैं कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो ठीक है तो यहाँ हम डाल देंगे ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन स्टैक है ना ऑपरेशंस ऑन स्टैक सबसे पहले और इसको हम डाल देंगे बैक इन नेक्स्ट लाइन में बैक इन ठीक है और फिर हम प्रिंट करेंगे क्या फिर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि हमको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसको एक काम करते हैं नंबरिंग दे देते दे 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 हैं ठीक है वन डॉट और हम यहां डाल देते हैं सबसे पहले पुश ठीक है पुश ऑपरेशन फिर बैक स्लैश एन ठीक है या फिर हम बैक स्लैश ठीक करके भी डाल सकते हैं बट चलो बैक स्लेशन ही कर देते हैं दो अलग अलग उसमें और इसी को बस हम करने के वाले हैं इसको ही हम रेप्लीकेट करने वाले हैं चार के लिए तो अब बस टू बन जाएगा ये है ना पुश और पॉप हो गए पॉप है ना फिर पुश पॉप की बात क्या हो जाएगा ये फिर ये हो जाएगा आपका पीक ठीक है और पीक के बाद फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका डिस्प्ले।, डिस्प्ले तो पुश हो गया पॉप हो गया पीक हो गया डिस्प्ले हो गया ठीक है इसके बाद ओके okay, थर्ड है ये फोर्थ है और इसके बाद अगर आपको इस लूप से बाहर आना है तो एक और ऑप्शन है ठीक है विच इजीरो तो अगर आपको स्टैक से बाहर आना है तो आपको हमेशा ज़ीरो दबाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ आपके लिए एग्जिट के लिए है ना तो आपको हमेशा जीरो दबाना पड़ेगा अब बेसिकली इस चीज़ पर आपने इटरेट कर लिया ठीक है अब इसके आगे देखो जैसे आपने ये इटरेट किया मतलब जैसे कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे आया जीरो आया तो बाहर हो जाएगा बट अगर इसके अलावा और कुछ भी ऑप्शन आया तो आपको इसमें कंडीशन डालने पड़ेगी मतलब केसेस डालने पड़ेंगे सो इफ जो भी एंटर्ड अब एंटर पहले वैल्यू तो लोगे ना तो ये इनपुट तो सॉरी ये प्रिंट तो करा दिया पहले इनपुट ले लो एक ठीक है तो एक इनपुट आपको बार बार लूप में लेते चलना है तो आपको क्या लगना लेना है एक इनपुट ले लेना है ठीक so, है, so, है? ले है, बार -बार है इसको तो इंटरजर फॉर्म में आपको क्या ले लेनी है इनपुट वैल्यू ले लेनी है और यहाँ पे डालना है आपको क्या कि आप जो भी चॉइस आप चूज करना चाहो ठीक है सो एंटर द ऑपरेशन यूनिट टू परफॉर्म है ना तो so, यहाँ डाल, दे, डाल देता हूं मैं एंटर द एंटर द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन वैल्यू ऑफ ऑफ ऑपरेशन है ना तो जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसकी वैल्यू डाल दीजिए भाई ठीक है बैक स्लैश एंड में नेक्स्ट लाइन में डालेंगे भाई ये ऑपरेशन की वैल्यू हम ठीक है और जैसे ही आपने ये वैल्यू डाली ऑपरेशन की जो भी ऑपरेशन आपको डालना है वैल्यू बास ये हम कॉलन लगाते हैं ठीक है तो जो भी वैल्यू आपने डाली इसमें अब क्या होने वाला है कि ये वैल्यू हर बार चेक होगी ठीक है तो हर बार क्या होगा आपके चेक होगी सो इफ ओके सॉरी मैंने शायद कैप्स आप ऑन कर दिया इफ़ जो भी आपकी इनपुट वैल्यू है इनपुट वैल्यू है वो अगर वन के बराबर है तो कुछ होगा है ना अभी फिलहाल पास कर देता हूँ ठीक है और यही चीज़ कंटिन्यू होती चली जाएगी आप अलग अलग वैल्यू पास करते चले जाओगे और उसमें चीज़ें होती चली जाएंगी ठीक है और अगर आपके इनपुट वैल्यू टू है तो कुछ होगा ठीक है और, और यहाँ पे हम डाल देंगे एफ़ नहीं ये हो जाएगा एलिफ कंडीशन है ना क्योंकि इसके बाद मतलब ये अगर होता है तो सीधे सीधे आपको बाहर आना है ठीक है तो एलिफ कंडीशन और एक्चुअली इसी को कॉपी करेंगे क्योंकि एलिफ़ एलिफ़ कंडीशन तो जाने वाली है हमारी आगे पेस्ट है ना और ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया थर्ड आपने चूज कर लिया ठीक है फिर पेस्ट फोर्थ चूज कर लिया ठीक है पेस्ट अगर आपने जीरो चूज कर लिया ठीक है अब अगर आपने वन चूज किया है तो आप करना क्या चाह रहे हो बेसिकली आप पुशिंग करने वाले मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले वन तो आपको सबसे पहले भाई आइटम चाहिए जो भी जो भी भी आपको पुश पुश करना है है अंदर चीज करनी वो वो आइटम चाहिए चाहिए वैल्यू वैल्यू तो हम यहाँ पे बना देंगे एक वैल करके और ये हम इनपुट लेने वाले हैं ठीक है फिलहाल हम इंट लेने वाले हैं बट आप जो चाहे वैल्यू इनपुट करा सकते हो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ ही करानी है आप कैरेक्टर्स लेस डिक्शनरी कुछ भी एंटर करा सकते हो ठीक है इनपुट और यहां पर मैं डालूंगा Enter the value to insert. ठीक है तो जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है वो एंटर कर दीजिए बैक स्लैश एंड डाल अच्छा लगेगा है ना और इसके बाद मुझे क्या करना है सिंपल सी बात जैसे ही मैंने ये चॉइस दिया यूजर को कि मुझे वैल्यू एंटर करके दे दो अब सीधे सीधे मुझे करना ही क्या है तो भाई सीधे सीधे मुझे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें स्टैक पास करना और एलिमेंट पास करना है दैट्स ऑल तो मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे मैं बना दूंगा मतलब ये मैं कॉल कर लूंगा पुश ऑपरेशन को अब एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेता हूँ चलो पहले तो ठीक है एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे नीचे फंक्शन को है ना और यहाँ फंक्शन को ओपन करके मतलब ये कॉल करके अब सीधे स्टैक पास कर दूंगा तो स्टैक मेरी स्मॉल एस टी ए सी के है तो एस टी ए सी के स्टैक है मेरी और एलिमेंट क्या है मेरा तो एलिमेंट मेरी वैल्यू है जो मुझे इसमें पुश करनी है ठीक है तो ये मेरा बहुत सिंपल सा आपका पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया मतलब जो एलिमेंट मुझे एंटर करना था वो एलिमेंट मेरा अंदर चला गया अब एल एलिफ में कह रहा हूं टू तो टू ऑप्शन क्या है भाई है पॉप करना तो अगर आपको एलिमेंट को पॉप करना है तो लेट सी वॉट विल हैपन ठीक है तो अब आपको आइटम को अगर पॉप करना है जो भी एलिमेंट आपका लास्ट है वो अगर आपको पॉप करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तो जो भी आपने चूज किया उसको पॉप करना पड़ेगा ठीक है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जो आपका एलिमेंट है पॉप एलिमेंट जो बाहर आने वाला है तो हम डालेंगे पॉप्ड अंडरस्कोर वैल्यू है ना पॉप्ड वैल्यू ऊपर एलिमेंट लिखा था या वैल्यू लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो तो पॉप्ड वैल्यू क्या होने वाली है तो सिंपल आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है ठीक तो है तो पॉप ऑपरेशन देखो कहा है कहा है कहारा पॉप तो सी को स्टाक पास करना है और ये पॉप कर देगा ये दो वैल्यूज रिटर्न करें कुछ तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था पॉप दो वैल्यूज रिटर्न कर सकता है या तो अंडर फ्लो रिटर्न कर सकता है या फिर आपका पॉपड एलिमेंट रिटर्न कर सकता है तो वो चीज़ों को हमें दोनों को हैंडल करना पड़ेगा तो वो भी हम करते हैं तो मैं इसको पॉप करूंगा और इसको पास कर दूंगा एस टी एस सी के स्टैक तो स्टैक हमें जैसे पास करी इसको ये पॉप करके इसको एलिमेंट चेक कर देगा मतलब दे देगा और बस हमें अब चेक करना है कंडीशन की जो पॉप्ड वैल्यू है ये पॉप्ड वैल्यू कहीं अंडर फ्लो तो नहीं है अगर अंडरफ्लो है तो आपको चेक कर, मतलब ये बोल देना है कि स्टाक इज इन अंडरफ्लो सिचुएशन मतलब स्टाक इज एम्प्टी कुछ नहीं कर सकता है इसको ठीक है so, सो आप यहाँ डालोगे इफ पॉप्ड वैल्यू इज इज अंडर फ्लो अगर आपकी जो पॉप्ड वैल्यू है वो क्या है अगर अंडरफ्लो वो भी कुछ गड़बड़ ना हो तो मैं इसको आज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है पीक से ही कर लेता हूँ क्योंकि पीक में भी वहीं से डाला था ना तो अगर आपकी जो पॉप एलिमेंट है वह अंडरफ्लो है तो आपको क्या प्रिंट कर देना है तो आपको प्रिंट कर देना है कि जो आपकी स्टॉक है वो एम है राइट right? तो आप क्या डालोगे स्टाक सॉरी स्टाक इज ई एम पी टी वाई स्टॉक इज एम टी ठीक है अंडर फ्लो सिचुएशन अंडर फ्लो तो अंडर फ्लो सिचुएशन फिलहाल है क्योंकि आपकी जो स्टाक है वो एम टी है ठीक है और अगर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपल जो पॉप एलिमेंट है वो प्रिंट कर दो ठीक है तो बस आपको यहां पे क्या प्रिंट कर देना है यहां को प्रिंट कर देना है पॉपड एलिमेंट इज 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 व्हाट जो भी आपका है पॉप एलिमेंट व्हिच इज व्हाट व्हिच इज पॉप वेल well, जो आपने पॉप वेल well को कॉल किया है समझ में आया तो इस तरीके से क्या होगा इस तरीके से जो भी आपने पॉप एलिमेंट है आपका जो भी है वो क्या हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो आपने जो पॉप एलिमेंट है उसको प्रिंट कर लिया ठीक है और बस इसी के साथ आपका पॉपिंग का, का काम खत्म हो गया मतलब पॉप जो आपने सेकेंड ऑप्शन दिया था वो खत्म हो गया अब नेक्स्ट जो है वो क्या है आपके पास थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखो क्या है थर्ड ऑप्शन ने पिक का मतलब लास्ट एलिमेंट को सी करने का ठीक है लास्ट जो टॉप एलिमेंट है वो देखने का देखते हैं कैसे कर सकते हैं सीख ठीक है तो अगेन हम सीख करेंगे ठीक है तो आ, क्या बना ले वेरिएबल तो पीक्ड पीक्ड वैल्यू बना देते हैं ठीक है पीक्ड अंडरस्कोर वैल्यू ठीक है पीक्ड वैल्यू क्या है तो सिंपल से याद आद आपको पीक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पीक यहाँ पे आ, पीक को कर लूंगा कॉपी यहाँ कर दूंगा पेस्ट और यहाँ बस क्या कर दूंगा स्टैक पास तो बेसिकली क्या हो गया आपका पीक हो गई वैल्यू है ना जो लास्ट ऊपर की वैल्यू है वो पीक हो गई स्टाक में ठीक है अब जो भी आपने स्टॉक में वैल्यू पिक करी है वो अब आपको बस चेक करनी है कि वो कैसी है क्योंकि आपका क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है ना पीक देखो क्या कर रहा है पीक या तो अंडरफ्लो रिटर्न कर रहा है या फिर जो एलिमेंट है वो रिटर्न कर रहा है तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी वही सेम उसी तरीके से तो आपको चेक करनी पड़ेगी इफ जो आपकी पिक्ड एलिमेंट है पीक्ड वैल्यू जो है वो अगर अंडरफ्लो है ठीक है जैसे यहां पे आपने किया अंडर फ्लो चेक किया तो अब यहां पे भी चेक करेंगे अगर वो अंडर फ्लो है अब यही से पेस्ट लेते हैं। कुछ ना तो अगर है, तो क्या कर दो तो प्रिंट कर दो ठीक है भाई सेम चीज प्रिंट कर दो क्या प्रिंट कर दो सेम चीज प्रिंट कर दो कि आपकी भाई स्टाक तो एम टी है अंडरफ्लो सिचुएशन अब क्या करना चाह रहे हो भाई ठीक है नहीं हो सकता जो आप करना चाह रहे हो सिंपल सी बात बट अगर यह सिचुएशन नहीं आती है अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं आती है मतलब अगर अंडरफ्लो नहीं है सिचुएशन तो अब आप पीक कर सकते हो ठीक है तो अब आप यहां पे लिख सकते हो प्रिंट और यहां डाल सकते हो सो द टॉप टॉपेस्ट नहीं टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट एलिमेंट एस क्या है टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका जो भी आपने निकाला पीक्ड वेल पीकड वैल्यू तो जो आपने पीक करके वैल्यू निकाली वो आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट है समझ में आ गया तो अब ये आपका क्या हो गया ये आपका पीकिंग खत्म हो गया तो आपने क्या किया चेक किया पीक पीक किया फिर चेक किया कि क्या आपका अंडरफ्लो सिचुएशन है अगर हाँ तो नहीं तो आपने सिंपल सी बात पीक करके बता दिया अब फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं अगर किसी ने फोर्थ ऑप्शन पे डाल दिया मतलब अगर आपने डिस्प्ले करना है अब देखो तो डिस्प्ले में कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है ठीक है डिस्प्ले में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा ओके okay, डिस्प्ले कहाँ है आपका ये रहा डिस्प्ले तो डिस्प्ले में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा डिस्प्ले में सीधे सीधे क्या हो रहा है अब सीधे सीधे प्रिंटिंग का काम कर रहे हो जो खुद ही कर रहे हो आपको कुछ नहीं प्रिंट करना तो सीधे सीधे चेक कर रहे हो अगर एम है स्ट्रिंग मतलब स्टैक एम है तो एम है स्टैक ये प्रिंट कर दो अगर ये नहीं है अगर एम नहीं है तो क्या तो कर दो एलिमेंट को प्रिंट करते चले जाओ तो वही चीज़ हम हम यहाँ पर करेंगे बस तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सीधे सीधे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे स्टाक पास कर देंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा दैट्स ऑल क्योंकि प्रिंटिंग का काम वो खुद ब खुद फंक्शन ही कर रहा है हमें कुछ टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ पे क्या चला जाएगा स्टैक चला जाएगा तो अब ये मेरा स्टैक जो है डिस्प्ले हो जाएगा और अगर इसके अलावा इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया क्या अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया कि आ, मुझे तो जीरो चाहिए मतलब मुझे तो एग्जिट चाहिए मुझे तो बाहर जाना है। तो अगर आपको यहाँ पे बाहर जाना है तो सिंपली क्या करना है मुझे लूप को ब्रेक करना है दैट्स ऑल क्योंकि वाइल्ड ट्रू है ना इन्फिनेट लूप है ब्रेक करना है दैट्स ऑल तो ये आपकी पूरी कंडीशन है जो हमने फुलफिल कर ली अब ये सब तो सही है बट अगर इनमें से कुछ भी वैल्यू नहीं दी अगर सपोज मैंने वन टू थ्री फोर या जीरो नहीं दिया फिर क्या तो अगर इनमें से आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है तो एल्स में आपको प्रिंट करवाना है एक चीज विच इज इन वैलिड इन वैलिड इन वैलिड वॉट इन वैलिड इनपुट ठीक है तो इन वैलिड इनपुट आपने दिया है ये इन वैलिड इनपुट गिवन इन वैलिड इनपुट गिवन और ये एक्सक्लेमेशन इन्व मार्क लगा देते हैं तो ये लूप में चलता रहेगा अभी भी जब तक आप जीरो नहीं दबाओगे तब तक ब्रेक नहीं होगा ये चलता रहेगा आप बस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी एर, एरर आ जाएगा तो ये आपने क्या कर दिया भाई ये आपने पूरा स्टैक क्या कर दिया इंप्लीमेंट कर दिया अब इसमें आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो तो लेट्स रन इट होप कि इसमें कोई भी एरर ना हो और इसको रन करके देखते हैं तो पाइथन फाइल के तरीके से रन करेंगे और देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आई अभी तक ठीक है मैं क्या करता हूँ इसको बड़ा कर देता हूँ

तो मेरा टेन इंसर्ट हो गया और फिर से वही चीज़ आपकी वापस से रन हो गई ऑपरेशन ऑन स्टैक जो भी आपको करना है तो मैंने वन रन किया ठीक है फिर से मुझे ट्वेंटी इंसर्ट करना है ट्वेंटी इंसर्ट कर दिया ठीक है फिर से मैंने वन रन किया फिर से फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया फिर से थर्टी एंटर कर दिया फिर फोर्थ ऑपरेशन सॉरी नहीं फोर्थ नहीं फर्स्ट ऑपरेशन ही परफॉर्म किया फिर फोर्टी रन कर मतलब इनपुट कर दिया इस तरीके से मैं स्टैक में डालता चला गया अब एक बार मैंने डाल लिया तो मुझे जरा दिखा दो कौन से क्या एलिमेंट चल रहा है तो फोर्थ देख लो भाई तो जैसे मैंने फोर्थ रन किया तो मुझे क्या देखने को मिल गया मुझे स्टैक देखने को मिल जाएगा तो अगर आप देखो यहां पे जैसे मैंने फोर्थ रन किया तो मुझे स्टैक देखने को मिल गया थर्टी ट्वेंटी टेन तो सबसे पहले आपने टेन एंटर किया फिर ट्वेंटी एंटर किया फिर थर्टी एंटर किया फिर फोर्टी एंटर किया और फोर्टी क्या आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो ये आपका डिस्प्ले हो गया अगर आपको पीक करना है जैसे आपको देखना है कि लास्ट मतलब जो टॉप एलिमेंट है वो क्या फोर्टी है तो आपको पीक करना है तो सीधे सीधे आपको क्या डालना पड़ेगा आपको डालना पड़ेगा थ्री तो थ्री जैसे डाला तो आपको देखो वो मिल गया कि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है टॉप मोस्ट एलिमेंट इज फोर्टी तो टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या आपकी फिलहाल फोर्टी है ठीक है अब सपोज मुझे पॉप करना है मुझे एलिमेंट को पॉप कर देना तो मैंने पुश कर दिया पिक कर लिया डिस्प्ले कर लिया पॉप करना है मुझे सपोज पॉप करना है

ठीक है तो अगर मैंने पॉप किया तो देखो क्या, दे तो क्या, तो तो क्या हुआ पॉप डेलीमेंट ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी पॉप आउट हो गया यहां पे है ना इसमें क्या था इसमें ट्वेंटी टॉप पे था वो पॉप आउट हो गया पॉप आउट हुआ तो टेन बचा तो अब जब मैं इसमें डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या बचेगा सिर्फ सिर्फ टेन बचेगा टेन ही टॉप पर है

आप कैसे पॉप कर रहे हो दैट इज नॉट अलाउड तो आपने जितने भी सारे ऑपरेशन है वो परफेक्टली रिटर्न करती हैं। मतलब सारे परफेक्टली आपके क्या हो गए हैं आपके जो भी ऑपरेशन थे पुश पीक, डिस्प्लेन एग्जिट वो सब परफेक्टली आपने ऑपरेट कर दिए हैं ऑन दिस वन ठीक है इसको सेव कर देंगे ताकि हमारा कहीं गायब ना हो जाए बिकॉज हम आगे जब कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर होंगे स्टाक वाली जो प्रॉब्लम्स हमने देखी ना अलग अलग तो जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस स्टैक का यूज ही कर रहे होंगे ना भाई तो ये हमने स्टाक इंप्लीमेंट कर दिया जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं तो फाइल हैंडलिंग सीखी है हमने स्टार्टिंग में तो बहुत बार क्या होता है हमें अलग अलग सिचुएशन में स्टैक का यूज करना पड़ता है अब इसको आप स्टाक डॉट पीवा के नाम से सेव करके रख सकते हो जब भी स्टैक की जरूरत है इसको आप कॉल कर लो और इसमें पुश करो पॉप करो जो भी करना करो ठीक है परफेक्टली आपकी चीजें चलेंगी समझ में आया सो आई होप आपका ये स्टैक का जो इंप्लीमेंटेशन है विद विद पाइथन ये प्रैक्टिकली पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर कोई डाउट बचने का चांस ही नहीं ठीक है फिर भी कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है ठीक है उसको भर दीजिएगा प्रैक्टिकल फिनिश हुआ है ठीक है अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई चलते अपने स्लाइड्स पर वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस सो आई होप आपको थियरिटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ चुका है कि किस तरीके से आप ये स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो पाइथन में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत डिटेल में ध्यान से पूरा जितना भी कंसेप्ट है पूरी चीज समझ लीजिएगा ठीक है तो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया और थियटिकली समझा दिया फिर भी कोई दिक्कत किसी भी चीज में बच गई है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिए आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट ठीक है मैं यह मेरी जो टीम है वो आपके डाउट्स को एड्रेस करने की कोशिश करता ठीक है चलिए सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं ये तो आपका हो गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग पाइथन ठीक है अब इंप्लीमेंटेशन सीख चुके हैं अब हम क्या करेंगे अब बेसिकली हम एक ऑपरेशन या एक एप्लीकेशन उठाएंगे ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया भी था समरी वीडियो में कि आपके सिलेबस में एक ऑपरेशन है एक एप्लीकेशन है विच इज पॉलिश स्ट्रिंग्स ठीक है तो इनफिक्स पोस्ट फिक्स इन इन के ऊपर हम थोड़ा सा इनके साथ खेलेंगे ठीक है वो खेलेंगे किसकी मदद मतलब से स्टैक की वजह मतलब से स्टाक हम उसमें यूज कर रहे होंगे तो स्टाक हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं अब इसी इंप्लीमेंटेड स्टाक को हम आगे यूज कर रहे होंगे तो उन सब चीजों को सीखने के लिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिएगा ठीक है फिलहाल अगर हम इसमें आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इंग डॉट कॉम तो गूगल पे आप टाइप करोगे मांग डॉट कॉम तो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिख कर जाओगे दिस इजर होम पेज सेलेक्ट सीबीएस इंग्लिश मीडियम क्लिक और क्लास ट्वेल्थ तो क्लास ट्वेल्व के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मांगे बेस आपको ऑफर करता है स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस के सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं आपके पास जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल द यहां पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियोज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ आपको का सारा कंटेंट मिल जाएगा वेदर इट बन टी एस सी ओलम्पियाड सी बी एस सी बोर्ड स्टेट बोर्ड एनसीआर बोर्ड क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें यहाँ पर आपको इवन आई टी जे भी मिल जाएगा नीट भी मिल जाएगा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोज नहीं कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और यूनिट टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोज और गईज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो तो हमारे साथ यानी कि मैडम से जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडन से क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देंगे गुड बाय थैंक यू वेरी मच